एक और क्वेश्चन की बात कर रहे हैं हम, जिसमें धारावाही तार हमें दिया हुआ है, और जो धारावाही तार दिया हुआ है डायग्राम के अनुसार पी क्यू आर धारावाही तार है, मतलब यहां से तार स्टार्ट हो रहा है और यहां तक है, ये धारा आई प्रवाहित इसमें है, और इस वाले हिस्से की लंबाई एल है, कोण 60 डिग्री है, और 20 दिशा में इस पूरे तार पर एक बी समरूप मैग्नेटिक फील्ड आरोपित कर रखा है। तो अब पूछा क्या है, पी क्यू तथा क्यू आर पर चुंबकीय बल का अनुपात, पी क्यू और क्यू आर इन दोनों तारों पर चुंबकीय बल का अनुपात हमें ज्ञात करना है। तो इससे पहले हमने जो लॉजिक अब तक जान लिया था कि समरूप चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही तार है तो बिल साइन थीटा या आई एल क्रॉस बी लगा देते हैं। तो यहां पर देखें हम कि क्वेश्चन ने जैसा बोला वैसे चलते जाए हम, तो कि एक बार इस वाले पर बल बताना है, एक बार इस वाले पर बल बताना है, दोनों पर अलग अलग बल मान ज्ञात करके फिर उनका अनुपात निकालना है। जैसे इस वाले पर बल बताना है तो बल का फॉर्मूला क्या था हमारा, बल इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ पी क्यू वाला बल लिख सकता हूं मैं, बी आई एल साइन थीटा। साइन थीटा कितना हो गया, 90 डिग्री हो जाएगा साइन थीटा, क्योंकि थीटा वास्तव में एल वेक्टर एंड बी वेक्टर के बीच कोण होता है, और एल वेक्टर की दिशा ये है और बी की दिशा ये है, दोनों के बीच कोण 90 डिग्री है, और इस एल वेक्टर विस्थापन का परिमाण यहां पर स्मॉल एल के बराबर ही हमें डायरेक्ट में दिया हुआ था, उसको मैंने लिख दिया स्मॉल एल के बराबर। तो यहां पर पी क्यू पर चुंबकीय बल मिल गया हमें बी आई एल, सीधी सीधी बात ये, क्योंकि साइन 91 हो गया। अब बचा कौन सा तार, क्यू आर वाला तार बचा हुआ है, इस तार पर चुंबकीय बल मुझे बताना है, तो उसके लिए भी फॉर्मूला क्या लग जाएगा, एफ क्यू आर इज इक्वल टू बी आई एल डैश, इसकी लंबाई को, इसके विस्थापन को मैंने एल डैश बोला है, और ये वाला एल वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, तो यहां अगर बनाए हम तो बी वेक्टर यूं जाएगा, तो एल वेक्टर इधर की ओर है और ये मैग्नेटिक फील्ड की दिशा में ही इधर मैंने एक लाइन बना दी, तो ये वाला कोण हो जाएगा 30 डिग्री, तो साइन 30। तो इस तरह से बी आई एल डैश साइन 30 है, ये साइन 30 होता 1/2, लेकिन अभी एल डैश मुझे फाइंड करना है, एल डैश का पता लगाना है, आखिर एल डैश है कितना, तो एल डैश जानना है मुझे, इट मीन्स उसके लिए मुझे इस त्रिभुज को इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर मैंने यहाँ पे एक लाइन बना दी तो ये त्रिभुज बन गया पी क्यू आर, त्रिभुज पी क्यू आर में कॉस थीटा, हम जानते हैं कॉस थीटा होता है आधार बटे कर्ण, आधार ये हो गया और कर्ण हो गया एल डैश, तो एल डैश का वैल्यू में मिल जाएगा एल अपॉन थीटा, कितना था ये कॉस 60, और कॉस 60 कितना के बराबर है, 1/2 के बराबर, तो 1/2 मैंने यहां लिखा, तो 1/2 लिखाना ये, तो 2 ऊपर जाएगा तो एल डैश का वैल्यू 2L के बराबर हो जाएगा, तो एल डैश बराबर 2L आ गया, तो एल डैश का मान 2L यहां रख दूंगा ना मैं, तो यहां तो रखा जाएगा, अगर इसको कहा जाए क्लियर, तो बी आई 2L और साइन 30 1/2, जरा गौर कीजिए 2L इंटू 1/2, 2 से 2 कैंसिल, बी आई एल और ये भी बी आई एल। चलो इस बात को और क्लियर लिखते हुए यहां पर बता दें आपको, हम फर्स्ट मेथड है हमारा कि पी क्यू इक्वल टू बी आई एल साइन थीटा है ना, तो साइन 90 जिसे वहां पुट किया था और बी आई एल के बराबर, यहां पर ये रिलेशन था, ये बी आई एल का वैल्यू बी आई एल के बराबर ही है, क्योंकि जो डिस्प्लेसमेंट है ना यहां पर, उसको जगह हमने डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड पुट कर रखा है। इसके बाद बी आई 2L लिखा है हमने, जिसे यहां सोल्व किया ना कि इसका वैल्यू 2L आ रहा, तो डायरेक्ट 2L साइन 30, तो ये तो 1/2 था और ये कितना 1/2 के इक्वल, तो 2 से 2 कैंसिल होने से बी आई एल बचा। तो पी क्यू और क्यू आर दोनों जो फोर्स मिले हमें, ये भी बिल दोनों कैंसिल, यानी कि 1:1 के बराबर आ गया। तो इस तरह से हम दोनों तारों पर अलग अलग चुंबकीय बल ज्ञात करके उनका अनुपात ज्ञात कर सकते हैं, एक आसान सा मेथड हमने लगा दिया, मतलब सबसे पहले माइंड में आने वाला मेथड यही है, इसलिए इसको हमने मेथड फर्स्ट बोला, लेकिन इसके अलावा और भी अप्रोच है, उनको भी अप्लाई कर सकते हैं, उनके थ्रू भी हम आराम से ज्ञात कर सकते हैं। तो यहां तो हमने जैसा क्वेश्चन था उसकी बात को मानते हुए, उसके अनुसार चलते हुए एक एक स्टेप को फॉलो कर आंसर निकाल लिया, लेकिन अब दूसरा जो मेथड आता है उसमें हम क्वेश्चन की बात नहीं सुनने वाले, मतलब जैसा क्वेश्चन का एग्जैक्ट वैसा नहीं चल के हम अलग थिंक करके फिर क्वेश्चन का आंसर देने वाले हैं। कैसे, जैसे ये जो वायर है ना पी क्यू आर, पूरा करंट कैरिंग वायर, यहां पर से ये पी क्यू आर वायर है, ये करंट कैरिंग वायर है, तो इस करंट कैरिंग वायर के बारे में सोचे हम, तो ये जो करंट कैरिंग वायर है ना, तो जैसे इसमें तो खैर फर्स्ट मेथड ही बता रखा हमने, करंट कैरिंग वायर जो यहां पर है ये करंट कैरिंग वायर है। अब इसमें करंट कैरिंग वायर में क्या हो रहा है कि पी क्यू आर जो करंट कैरिंग वायर है, इस करंट कैरिंग वायर पर हमें बल बताना है, पहले पी क्यू आर वायर पर बल ज्ञात करना चाहते हैं, तो पी क्यू आर वायर पर जब हमें बल ज्ञात करना है तो यहां पर ये बिंदु P है, ये Q है, ये R है, तो एक अलग तरीके से सोचे तो पता लग रहा है कि PQR पर जो चुंबकीय बल है ना वो जीरो आ रहा है,
किसी धारावाही तार पर चुंबकीय बल बताने के लिए हमने कंसेप्ट क्या बताया था कि तार के दोनों सिरों के बीच में विस्थापन ज्ञात कीजिए, और विस्थापन अगर मैग्नेटिक फील्ड के साथ पैरेलल है तो थीटा 0 डिग्री हो जाएगा। तो जरा देखिए आप, यहां पर प्रारंभिक बिंदु ये है, अंतिम बिंदु ये है, दोनों के बीच का विस्थापन सदिश ये वाला बनेगा, और दोनों के बीच का विस्थापन सदिश जब ये वाला बनेगा, एलवेक्ट्रिक दिशा जब ये आएगी तो मैग्नेटिक फील्ड एक्शन वाला इसी दिशा में है, दोनों समान दिशा में, तो एलवेक्टर पैरेलल बी वेक्टर होने की वजह से थीटा 0 डिग्री आ गया, यानी कि साइन 0 0 हो जाएगा। तो इस पूरे वायर पर मैग्नेटिक फोर्स 0 है, ऐसा हमने सोच लिया, पता कर लिया। यहां पर इस टूल की जरूरत है, इक्वेशन में गिवन था भी नहीं, हालांकि इससे पहले फाइंड किया था हमने, बट कोई रिक्वायरमेंट नहीं। इतनी सी रिक्वायरमेंट है, PQR पर टोटल फोर्स फाइंड कर लो, आप तो नेट फोर्स फाइंड कर लो, 0 पता लग गया, क्योंकि L वेक्टर पैरेलल टू B एक्सटर्नल, दोनों सेम डायरेक्शन होने की वजह से। तो अब क्या कह सकते हैं कि इस PQR पर नेट फोर्स 0, वो नेट किन किन का है, PQ पर फोर्स एंड QR पर फोर्स, दोनों पर फोर्स का मिला के नेट 0 है। तो दो फोर्स का नेट 0 होने का मीनिंग क्या कह सकता हूं मैं, कि दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन अपोजिट, ऐसा कह सकते हैं। L पैरेलल टू B हुआ, नेट फोर्स 0 हुआ, PQ इक्वल टू माइनस QR हुआ, 1:1 रेशो हुआ, ऐसे डायरेक्टली भी कह सकते हैं। ये था मेथड नंबर सेकंड। तो मतलब यहां पर थोड़ा सोचने का नजरिया चेंज किया, एकदम जैसा क्वेश्चन ने कहा वैसे नहीं चले, अलग ढंग से क्वेश्चन को देखा कि टोटल फोर्स कितना वो फाइंड किया, 0 आया तो इजिली सोल्व कर लिया। आगे बढ़ते हैं, मेथड थर्ड पर आते हैं। थर्ड मेथड में क्या बोला गया है, जैसे ये तो बात वही जो अभी हमने बोला था, मेथड थर्ड की बात करें, डायग्राम बना दिया हमने, जो हमारा फॉर्मूला है ना बिल साइन थीटा, उसी को अलग ढंग से सोच रहे हैं इसमें। कैसे, फॉर्मूला हमारा है मैग्नेटिक फोर्स यानी कि चुंबकीय बल इज इक्वल टू बी आई एल साइन थीटा, ये फॉर्मूला है बिल साइन थीटा वाला। तो जरा इसको, ये जो धारावाही तार यहां रखा हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड समरूप वाला है, यूनिफॉर्म मतलब समरूप चुंबकीय क्षेत्र, तो ये इसका एल वेक्टर धर क्यों रहेगा, धारा आई है, कोण थीटा है, तो इसके दो घटक ले सकता हूं मैं, इसका एक घटक तो बन जाएगा इधर की ओर, एक बनेगा ये वाला, तो इसको तो बोलेंगे हम एल कॉस थीटा, और इसको बोल देंगे हम एल साइन थीटा। तो यहां पर जो ये एल साइन थीटा वाला घटक है ना, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के ठीक लंबवत है, तो देखा जाए तो ये क्या हो रहा है, बी आई एल साइन थीटा है ये, यानी कि यू कह दिया जाए कि वास्तव में क्या बन गया, बी आई और एल परपेंडिकुलर, बी आई एल परपेंडिकुलर, तो बी आई एल परपेंडिकुलर ऐसे भी लिख सकते हैं किसको, इस फॉर्मूले को। तो बस अब हमें अगर किसी धारावाही तार पर चुंबकीय बल ज्ञात करना है, समरूप चुंबकीय क्षेत्र में तार रखा हुआ है, तो बी आई लिखो, और फिर जो उस तार का विस्थापन है, उस विस्थापन का चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत जो घटक है, बस उस घटक से गुणा कर दो, आपको बल का मान मिल जाएगा। तो यहां पर हम जरा सोचें कि इस पर पहले चुंबकीय बल ज्ञात करना था, तो इस पर यह फॉर्मूला लगाऊं मैं बी आई एल परपेंडिकुलर, तो बी एल परपेंडिकुलर फॉर्मूला लगाऊंगा, तो बी की जगह बी है, आई की जगह आई है, एल परपेंडिकुलर मतलब इसका जो विस्थापन है, इस तार का विस्थापन, तार के दोनों सिरों के बीच विस्थापन का घटक लेना कौन सा, जो मैग्नेटिक फील्ड के लंबवत हो, तो पूरा विस्थापन ही चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत ही है, इसलिए एल के बराबर ही आएगा, यानी कि इस पर बल हो गया इस कंसेप्ट के अनुसार बी आई एल। अब इस पर बल ज्ञात करें, इसके अनुसार हमने क्या कहा कि आप क्या ले लो, लंबवत घटक किसका, तार के दोनों सिरों के बीच विस्थापन का, तो तार के दोनों सिरों के बीच विस्थापन यहां पर ये है। अब इसका बी की दिशा के लंबवत घटक लेना मतलब ये वाला घटक होगा, मतलब ये जो है ना विस्थापन, इसके दो घटक, एक तो ये घटक हो सकता है और एक ये घटक हो सकता है, तो इसका जो ये वाला घटक है ना ये चाहिए, तो ये हमें सॉल्व नहीं करना, डायरेक्ट दिया हुआ एल, तो यानी कि जब मुझे इस पर बल ज्ञात करना है तो मैं लिख सकता हूं सीधा सीधा एफ क्यू आर इज इक्वल टू बी आई एल परपेंडिकुलर, यानी कि बी आई एल। तो इस पर भी बल आया था बी आई एल, और इस पर भी बल आया बी आई एल, इस पर तो कह दिया हमने एफ पी क्यू इज इक्वल टू बी आई एल के बराबर था, तो यहां पर मेंशन कर दिया मैंने कि एफ एम बी आई एल साइन थीटा होता है, इसको बी आई एल परपेंडिकुलर लिख सकते हैं। तो पी क्यू पर बल बी आई एल, और क्यू आर पर बी आई एल पर एल परपेंडिकुलर है, मतलब बी आई एल के बराबर वैल्यू आ गया है। तो बस दोनों सेम है, कैंसिल हो गया, 1:1 आंसर आ गया। तो ये जो अप्रोच है ना एकदम से माइंड में नहीं आती है। अच्छा, इस अप्रोच की एक खास बात है, यूके जो मेथड नंबर 1 था ना वो तभी काम में आएगा जब ये कोण थीटा 60 डिग्री वैल्यू जो भी कोण है ये इस कोण का मान दिया जाए। अगर इस कोण का मान ना दिया हो ना तो मेथड 1 काम में नहीं आएगा।
बट अब दूसरी बात, ये बात तो सही है कि काम नहीं है, लेकिन मेडिकल टेस्ट में अब तक जो क्वेश्चन पूछे गए वो सभी क्वेश्चन ऐसे हैं कि वो जो फर्स्ट वाला अप्रोच हमने अप्लाई किया, मतलब उससे हमारा काम बन जाए, इसकी जरूरत ना पड़े। लेकिन कहीं कहीं ऐसा क्वेश्चन दे दिया जाए, जैसे अगर यहां इस क्वेश्चन में 60 डिग्री कोण ना दिया होता तो फिर आप फर्स्ट वाले मेथड से सॉल्व नहीं कर सकते, फिर या तो सेकंड लगाना पड़ता या थर्ड लगाना पड़ता। इन मेथड में इस कोण की जरूरत है ही नहीं, बिना इस कोण के हुए भी हम आराम से ज्ञात कर पा रहे हैं। तो एक क्वेश्चन ऐसा एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ऐसा क्वेश्चन एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन है जो कि इस मेथड से ही जाकर सॉल्व हो पाता है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड का दिशा के लंबवत घटक विस्थापन का लेना होता है और वो उसमें आराम से पता लगता है, कोण नहीं दे रखा बस, सीधी बात ये, तो उस घटक को काम में लेकर के सॉल्व कर सकते हैं। तो बाय चांस कहीं जरूरत पड़े तो काम में ले, अदरवाइज एकदम से प्रैक्टिस में नहीं आता ये अप्रोच, क्वेश्चन जितने ज्यादा करते जाएंगे हम इसको अप्लाई करने बारे में सोचेंगे तो धीरे धीरे प्रैक्टिस डेवलप होती है, अदरवाइज फर्स्ट वाला बेस्ट, कोई दिक्कत नहीं है उसमें भी। अब समरूप अनुप्रस्थ चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही जो लूप होता है, पहले भी बात की थी हमने कि समरूप चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही लूप रखा हुआ है, तो उस पर अगर चुंबकीय बल के बारे में सोचे ना हम, तो हम जानते हैं कि जो बल होता है उसके बारे में कहना चाहे तो बल को क्या लिखा था हमने, BIL, L क्या था, डिस्प्लेसमेंट। तो यहां पर जब लूप है ना तो विस्थापन जो होता है तार के दोनों सिरों के बीच का, वो तो क्या होगा, जीरो हो गया। तो विस्थापन का मान ही जब जीरो हो गया तो चुंबकीय बल का मान भी जीरो होगा। अब चुंबकीय बल का मान तो धारावाही लूप पर समरूप चुंबकीय क्षेत्र में अनुप्रस्थ भी लिखा हुआ है यहां पर, अनुप्रस्थ मतलब लूप के तल के लंबवत, तो लूप का तल यहां पर बोर्ड का तल है और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बाना की डॉट वाली दिशा है, तो है तो समरूप ही, समरूप क्षेत्र होने से विस्थापन सदिश वाला कंसेप्ट काम में लेंगे, एल वेक्टर जीरो हो गया, एल वेक्टर जीरो होने की वजह से बड़ा आराम से कह सकते हैं कि चुंबकीय बल जीरो है। लेकिन अब जरा और आगे बात की जाए, चुंबकीय बल जीरो है लेकिन एक एक अल्पांश के बारे में सोचें, धारा तो इसमें बह रही है इस तरह से, धारा प्रवाहित हो रही है, जैसे यहां को अल्पांश लिया मैंने, अब इस अल्पांश में चुंबकीय बल की दिशा ज्ञात करूं मैं, धारा ऐसे है, मैग्नेटिक फील्ड की दिशा में मैंने उंगलियों को रखा, हथेली के लंबवत चुंबकीय बल लगा, तो चुंबकीय बल इस अल्पांश पर DFM जिसे कह दिया जाए, ये चुंबकीय बल की दिशा आ गई। ऐसे यहां अल्पांश लूंगा उस पर चुंबकीय बल इधर आएगा, यहां वाले पर ऐसे आएगा, यहां वाले पर ऐसे आएगा, जरा चेक कर ले, धारा की दिशा में अंगूठा रखा, उंगलियां फील्ड की दिशा में, ये उंगलियां फील्ड मतलब डॉट बाहर की ओर ऐसे, और बल इधर की ओर लग रहा, इस दिशा में बल लगा, बल की दिशा ये आ गई। तो हर अल्पांश पर हम चेक करने से पता लगेगा कि ये जो बल है प्रत्येक अल्पांश पर इस तरह से बाहर की ओर लग रहा है, तो प्रत्येक अल्पांश पर जो चुंबकीय बल बाहर की ओर लग रहा है, मतलब एक एक अल्पांश पर तो बल है, पूरे लूप पर चुंबकीय बल शून्य है। अब यहां पर एक बात और क्या देखने को मिलेगी, जब बल ये बाहर की ओर लग रहे हैं ना, इस लूप में टेंशन, इस लूप में तनाव है। अब लूप में तनाव हो, अच्छा इसका कागज शेप इरेगुलर भी होता ना, तब भी बाहर की ओर बल लगने की वजह से फेल करके एक्सपांड होकर के ये वृत्ताकार लूप बन जाता। तो कभी कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाए इसमें कि अनियमित आकृति का लूप इस तरह से दे दिया जाए जिसके तल के लंबवत मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई हो रहा हो और ये चुंबकीय बल लूप से बाहर की ओर लग रहे हो ना, तो फेल करके वृत्ताकार बन जाएगा ऐसे, और इस लूप में टेंशन आएगा, एक तनाव बल आएगा। तो टेंशन में तनाव आने की बात आ रही है कि अगर इसकी त्रिज्या आर है, धारा का मान आई है, मैग्नेटिक फील्ड बी है, तो टेंशन को लिख सकते हैं इसमें T=RBI के बराबर। अब कोई सोचे सर आपने कहां से लिख दिया डायरेक्ट, RBI कैसे आ गए, वास्तव में डेरिवेशन से आता है, छोटा सा डेरिवेशन भी होता है इसका, उसे आ जाता है, कोई मुश्किल नहीं है। ऐसा क्वेश्चन जैसा हमने बोला टेंशन वाला, पहले IIT एंट्रेंस एग्जाम में एक बार आ चुका है, एक बार क्या दो बार क्वेश्चन ऐसा आ चुका है, और इसको लगभग हर साल क्लास में कराते हैं, पहले तो डेरिवेशन भी कराते थे, अब डेरिवेशन नहीं कराते हैं क्योंकि पूछा नहीं गया कई टाइम से, बट हर साल बताते जरूर हैं। क्वेश्चन सिंपल है और इंपॉर्टेंट है, मतलब कभी भी आ सकता है, इसलिए रिजल्ट याद रखें, इस रिजल्ट को यूज करके काम में लेके आप और भी कोई क्वेश्चन बनाया जाए तो आप सॉल्व कर सकते हैं। बस याद रखें आर क्या है, लूप की त्रिज्या, बी क्या है, भारी मैग्नेटिक फील्ड जो अप्लाई किया, आई क्या है, धारा जो इस तार में बह रही है, तो आप तो सीधा काम में लें। अगर कोई सोल्व करना चाहे कि नियम तो सोल्व करना चाहते, थोड़ा हिंट ही बता दो सर आप, तो हिंट ये रहेगा इसमें कि एक छोटा सा चाप इसका लिया जाएगा, जैसे चाप ले लिया जाए, ये इस वृत्त का चाप। अब जो चाप लिया जाएगा ना, तो इस चाप पर छोटे से अल्पांश पर चुंबकीय बल तो दिख गया है, हमने कहा इस लूप में टेंशन है, तो हर जगह इस लूप में टेंशन है, और टेंशन जो होगा वो इसमें किसी भी बिंदु पर ज्ञात करना, हम कहते हैं कि वो टेंशन कोई रस्सी में जब निकालते हैं ना तो रस्सी की लंबाई का अनुदिश होता है। अब यहां पर लंबाई के अनुदिश होना टेंशन को कह सकते हैं हम, लेकिन वो किसी भी बिंदु पर उसकी दिशा को बताना चाहे तो वो स्पष्ट रेखा के अनुदिश मिलेगा, यानी कि
यहां पर टेंशन को ऐसे बताया जाएगा, यहां पर टेंशन को ऐसे, इस अल्पांश पर टेंशन के दो फॉर्म ऐसे दोनों साइड में बता सकते हैं। अब आगे क्या करना होगा, यहां कुछ कोण बनाया जाएगा, इस टेंशन का इधर घटक, इस टेंशन का इधर घटक, इधर घटक, इधर घटक, ये दोनों घटक हॉरिजॉन्टल कैंसिल होंगे, ये दोनों घटक जो इधर आएंगे वो इसके बराबर हो जाएंगे, और बैलेंस इक्वेशन लिखने के बाद सॉल्व होकर आंसर आ जाता है, ये आता है। बट जरूरत नहीं है इसलिए पूरा लिखा नहीं स्टेप हमने कुछ भी, रिजल्ट तो याद रखना आर बी आई के बराबर। अब कभी कभी क्वेश्चन जो होता है सीधा डायरेक्ट हमसे पूछ लेता है कि एक धारावाही लूप है, उस धारावाही लूप को समरूप अनुप्रस्थ चुंबक क्षेत्र में रख दिया है, तो उस लूप का शेप कैसा, उसकी आकृति क्या होगी, या उसमें टेंशन होगा नहीं होगा, इस तरह की बात कर ली जाए। तो लूप की आकृति के बारे में कहें तो वृत्ताकार लूप होगा वो, लेकिन वृत्ताकार लूप होने की कंडीशन क्या आ रही है कि बल बाहर की ओर लगे तभी वृत्ताकार बनेगा, क्योंकि इसमें अगर धारा इस प्रकार से एंटी क्लॉकवाइज और डॉट वाला मैग्नेटिक फील्ड हो तभी बल बाहर लगेगा। जरा चेक करके देखें, हम किसी एक को बदल दें, अभी धारा ऐसे है ना, धारा को मैंने क्रॉस ले लिया, अगर धारा मैं क्रॉस ले लेता हूं तो जरा देखिए आप, ये चुंबक के बल बाहर नहीं लगेगा, बल अंदर लगेगा, तो चुंबक के बल की दिशा अंदर की हो जाएगी, तो चुंबक के बल अंदर हो जाएगा, हर जगह चुंबक बल अंदर रहेगा, तो फिर ये लूप श्रिंक हो जाएगा, कोई टेंशन वगैरह इसमें नहीं आएगा। तो अगर हमें स्पेशली धारा की दिशा और मैग्नेटिक फील्ड का दिशा दे दी जाए तो हम इजिली पहचान पाएंगे कि उसमें टेंशन आएगा, वो वृत्ताकार बनेगा या सिकुड़ जाएगा, क्या होगा पता लग जाएगा, तो उसको देख के आप आंसर दे पाएंगे। लेकिन अगर हमें सूचना नहीं दे रही कि ओनली ये बता रखा है कि वृत्ताकार लूप है, समरूप अनुप्रस्थ चुंबकीय क्षेत्र में रखा है, धारावाही लूप है, और उसका शेप पूछा है, तो शेप ये बताएंगे कि वृत्ताकार बन जाएगा, टेंशन कितना तो आरबीआई कह देंगे, ठीक है, स्पेशली दे दिया करंट और धारा और मैग्नेटिक फील्ड दिशा, तो उसके हिसाब से सोच के आंसर दे। बट इन जनरल इंफॉर्मेशन नहीं है तो वृत्ताकार आकृति में रहेगा और आरबीआई टेंशन कह सकते हैं। अब यहां पर जैसे अभी मैंने डायग्राम जो बनाया उसी को और यहां पर सिंपली मतलब और क्लियर बना रखा है, ये वही जो मैंने एक्सप्लेन किया है। अब इसमें जैसे टेंशन की बात हमने, मतलब दो बातें यहां पर होगी, एक तो कह दिया हमने कि कुल बल जीरो है, और दूसरी बात आगे टेंशन वाली बात कि आरबीआई के बराबर है। अब दूसरी बात एक और आती है कि एग्जाम में एक बार जो क्वेश्चन आया था अटेंडेंस एग्जाम, उसमें इस लूप की त्रिज्या नहीं दे रखी थी, लूप के तार की लंबाई L दे रखी थी, अगर तार की लंबाई L होना तो L इक्वल टू 2 पाई R के बेसिस से मैं कह सकता हूं R इक्वल टू होगा L अपॉन 2 पाई, तो यहां पर लिख सकता हूं मैं T इज इक्वल टू बन जाएगा B I L अपॉन 2 पाई, ये बनेगा T इक्वल टू B I L अपॉन 2 पाई, तो ऐसे भी इसको काम में ले सकते हैं टेंशन वाले रिलेशन, अगर लंबाई हमें दे रखी हो तब, जैसे कि यहां पर रिजल्ट लिख रखे हमने कि समरूप अनुप्रस्थ चुंबकीय क्षेत्र में धारा लूप पर सदैव शून्य बल सदैव शून्य होता है, मतलब नेट बल की बात हो रही है, शून्य होता है। दूसरी बात, तार में उत्पन्न तनाव T इक्वल टू आरबीआई, और तार की लंबाई अगर L है तो बिल अपॉन 2 पाई भी कह सकते हैं इस तनाव को। एक क्वेश्चन की बात करते हैं, इस पर बेस्ट क्वेश्चन है कि तार की लंबाई दे रखी है, धारा दे रखी है, मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है, क्या पूछा गया है, लूप पर कुल चुंबकीय बल। तो पहला क्वेश्चन का जो आंसर है अगर उसकी हम बात करना चाहें तो कह सकते हैं कि लूप पर कुल चुंबकीय बल एफ एम इक्वल टू क्या आएगा, जीरो, क्योंकि एल वेक्टर का वैल्यू जीरो हो गया है। तार के कोई से भी दो बिंदु ले, यहां से स्टार्ट हुआ तार, धारा ऐसे ऐसे गई, वापस धारा यहीं पे आ गई, तो इनिशियल पॉइंट भी यही हो गया है और फाइनल पॉइंट भी यही हो गया है। ऐसा होने की वजह से प्रारंभिक अंतिम बिंदु सेम होने की वजह से विस्थापन जीरो हो गया और चुंबकीय बल का मान जीरो हो जाएगा। सेकंड पूछा गया कि लूप की आकृति क्या होगी, जरा चेक करके देख लेना हम कि धारा की दिशा ये है, मैग्नेटिक फील्ड डॉट वाला है, तो वही बात है जो भी थोड़ी देर पहले कहा था कि धारा ऐसे है ना, फील्ड डॉट वाला है, तो बल बाहर की ओर लग रहा है, तो यहां भी बल बाहर की ओर, यहां भी बल बाहर की ओर, यहां भी बल बाहर की ओर, हर जगह हर अल्पांश पर बल की बात कर रहा हूं मैं, पूरे लूप पर जीरो, ये बात सही है, लेकिन प्रत्येक अल्पांश पर लगने वाला जो चुंबकीय बल है वो तो बाहर की ओर है, इस वजह से लूप एक्सपांड होगा, फैलेगा और फैल करके ये वृत्ताकार रूप धारण कर लेगा। तो कह दें कि इसका लूप की आकृति या इसका जो शेप है वृत्ताकार बनेगा। लूप में तनाव की अगर बात है तो वो अभी मैंने बताई दिया था कि वृत्ताकार लूप बन जाएगा, टेंशन आएगा इसमें, तो टी इक्वल टू आर बी आई हम कह सकते हैं, आर त्रिज्या है, या अब यूं कह दें बी आई एल अपॉन 2 पाई, तो B कितना था मैग्नेटिक फील्ड लिखा हुआ इसमें 5 टेस्ला, और धारा जो I है वो 2 है, और ये है 12.56, यानी कि डिवाइड बाय 2 पाई किया, 2 से 2 कैंसिल हो गया,
12.56 ये क्या है, चार पाई के बराबर है। किसके बराबर है? चार पाई। तो चार पाई में से अगर इसको मैं चार पाई ऐसे मेंशन कर देता हूं तो पाई पाई से एक पाई कैंसिल हो गया। एक पाई होता है ना 3.14 इंटू फोर करो दिया आता है, तो चार पाई से पाई कैंसिल, ये आ गया 20 न्यूटन टेंशन फोर्स इन दिस लूप। तो धारावाही तारों के मध्य चुंबकीय बल। अब धारावाही तार कौन से, समांतर है, पैरेलल है, लंबाई अधिक लंबे ही होंगे तभी जाके सोल्व कर पाएंगे। तो लंबे धारावाही तार हैं, इनके बीच चुंबकीय बल को हमें जानना है। तो लंबे धारावाही तारों के बीच चुंबकीय बल को जानना है, तो सपोज ये तार नंबर एक है, तार नंबर दो है, इन तारों के बीच चुंबकीय बल का मुझे पता लगाना है ना, तो सबसे पहली बात तो ये कि तार पर चुंबकीय बल लग रहा है क्या। जैसे इस तार के बारे में बात करूं मैं, क्योंकि हम जानते हैं तार पर चुंबकीय बल तो तब होता है जबकि उसे किसी बाहरी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा जाए। अगर बाहरी मैग्नेटिक फील्ड में वो नहीं रखा है ना, तो चुंबकीय बल नहीं लगेगा। तो यहां पर जो धारावाही तार है, धारावाही तार क्या किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखा हुआ है? निश्चित रूप से रखा हुआ है। कुछ लोग समझ गए हैं कि इस तार का मैग्नेटिक फील्ड यहां पर है और इस तार का मैग्नेटिक फील्ड यहां पर है, दोनों पर एक दूसरे का मैग्नेटिक फील्ड चुंबकीय क्षेत्र आरोपित होने की वजह से, दोनों एक दूसरे के मैग्नेटिक फील्ड में होने की वजह से दोनों पर चुंबकीय बल लग रहा है। और दोनों पर चुंबकीय बल जब लग रहा है तो हम कह सकते हैं कि चुंबकीय बल की कोई दिशा भी होगी। तो जरा ज्ञात कर ली जाए इस धारावाही तार की वजह से, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड की दिशा ज्ञात करता हूं मैं, धारा की दिशा में अंगूठा रखा, कौन सा नियम लगा रहा हूं मैं, दाहिने हाथ के हथेली का नियम, कौन सा वाला, हमारा वाला। तो अंगूठा धारा की दिशा में रखा मैंने, हथेली को ओपन किया, हथेली के परपेंडिकुलर लंबवत मैग्नेटिक फील्ड की दिशा यानी क्रॉस वाला बी यहां पर आएगा, B1 कह दिया मैंने मैग्नेटिक फील्ड की दिशा, इसकी वजह से यहां पर मैग्नेटिक फील्ड की दिशा ज्ञात करूं, अगेन वही दाहिने हाथ का हथेली का नियम, कौन सा वाला, हमारा वाला, अंगूठा धारा की दिशा में रखा, सॉरी यहां पर जो मैग्नेट, ये जो रूल काम में लिया मैंने, तो ये रूल जो हमारा वाला था उसमें तो बल के लिए बात करते थे हम, और उससे पहले जो फ्लेमिंग वाला था वो था कि धारा की दिशा में अंगूठा रखें, हथेली को ओपन करें और हथेली के लंबवत जो मैग्नेटिक फील्ड की दिशा होती है, ये हमारा नहीं था फ्लेमिंग वाला। तो ये जो अप्लाई तो हमने सही किया लेकिन नाम जो था वो फ्लेमिंग वाला है। तो फिर एक बार रिपीट कर दें, अंगूठा ऐसे, हथेली को ऐसा ओपन किया और फील्ड अंदर की ओर, ये मैग्नेटिक फील्ड आ गया क्रॉस वाला। तो ये कौन सा रूल लगाया, दाहिने हाथ का हथेली का नियम, फ्लेमिंग वाला। यहां इसकी बात करें, अंगूठा ऐसा रखा, हथेली को ओपन किया, हथेली का लंबवत बाहर की ओर यानी कि मैग्नेटिक फील्ड की दिशा यहां पर आ गई डॉट। तो वही जो शुरुआत में नियम पढ़ा था हमने, दाहिने हाथ के हथेली का नियम, उसकी बात की है, उसके आधार पर हमने ज्ञात कर लिया ये मैग्नेटिक फील्ड की दिशा। अब चुंबकीय बल की दिशा ज्ञात करने वाले इन तारों पर, और चुंबकीय बल की दिशा के लिए हमें पता है नियम कौन सा, दाहिने हाथ की हथेली का नियम, हमारा वाला। मतलब हमारा वाला नियम कब लगाना है, कोई सोचे ये कि सर इसमें कुछ दो तीन चार नियम हो गए, कभी कभी बड़ा कंफ्यूजन आता है। तो जो बल लगाना है तो बल हम लगाएंगे, बल के लिए हमारा नियम, दाहिने हाथ की हथेली का हमारा नियम, भले बल आवेश पर लगाना हो या तार पर लगाना हो या बताना हो, तो बल हम लगाएंगे यानी कि दाहिने हाथ का हथेली का नियम हमारा वाला लगाना है। तो उसमें क्या था, उंगलियां मैग्नेटिक फील्ड की दिशा में, अंगूठा धारा या पॉजिटिव आवेश गति की दिशा में, हथेली के लंबवत चुंबकीय बल की दिशा। तो यहां पर अप्लाई करता हूं मैं इसके लिए, पहले चलो इस पे अप्लाई करता हूं। अंगूठा ऐसा रखा मैंने, उंगलियां फील्ड की दिशा में, हथेली का लंब चुंबकीय बल की दिशा बताएगा यानी कि ये चुंबकीय बल की दिशा आ गई है। अंगूठा धारा की दिशा में और उंगलियां फील्ड की दिशा में, हथेली का लंब चुंबकीय बल की दिशा को बताएगा, तो ये चुंबकीय बल की दिशा आ गई। क्या देख रहे हैं कि दोनों तारों पर जो चुंबकीय बल की दिशा एक दूसरे की ओर है, यानी कि बल बताइए आकर्षण या प्रतिकर्षण, निश्चित रूप से दोनों तारों पर एक दूसरे की वजह से आकर्षण का बल लग रहा है। तो कह सकते हैं यहां पर हम सजातीय अगर धारा है तो आकर्षण का बल है। तो धारा सजातीय होने पर आकर्षण का बल लगता है, रिजल्ट आप याद रखें। लेकिन अब ये बल का मान कितना है ये भी तो जानना है, और धारावाही तार पर चुंबकीय बल की बात की जाए तो बी आई एल साइन थीटा, जैसे मुझे इस पर बल ज्ञात, इस पर बल ज्ञात करना हो तो क्या सोचते सबसे पहले हम कि बिल साइन थीटा लगाएंगे हम। तो बिल साइन थीटा जब लगाया जाएगा तो बिल साइन थीटा के हिसाब से अगर बात करूं मैं तो बी आई एल साइन थीटा में बी समरूप होना चाहिए। तो क्या इस तार का यहां पर फील्ड समरूप है? समरूप है, क्योंकि इस तार से प्रत्येक बिंदु की दूरी का मान समान है। वैसे तो क्या होता है कि एक धारावाही तार के कारण अगर लगातार दूर जाते जाएं तो मैग्नेटिक फील्ड का मान बदलेगा और वो असमरूप कहलाएगा। लेकिन इस तार से एक निश्चित दूरी पर ही तो ये तार है, इसके समांतर ही तो रखा हुआ है, तो इसकी वजह से इसके हर बिंदु पर उत्पन्न होने वाला चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण समान होगा एवं दिशा भी समान है डॉट वाली, इसलिए इस तार पर समरूप क्षेत्र तो आरोपित हो रहा है, इसलिए इस पर बी आई एल साइन थीटा कंसेप्ट एप्लीकेबल है।
लेकिन एक दिक्कत आ रही है कि बी आई एल काम में तो लेंगे लेकिन एल क्या पुट करेंगे वहां पर, इसका विस्थापन क्या लिखूंगा, तो दिया ही नहीं कुछ, क्योंकि तो अधिक लंबा तार है ये। अब अधिक लंबा तार की लंबाई की सूचना नहीं है तो कैसे फॉर्मूला काम में लेंगे। इसलिए अब यहां ये किया जाएगा कि इसकी छोटी सी लंबाई डीएल लंबाई पर बल ज्ञात किया जाएगा, इसमें भी डीएल लंबाई पर बल ज्ञात करेंगे। तो डीएल लंबाई पर बल को मैं कह दूंगा डी एफ वन टू, वन टू मतलब वन पर टू की वजह से, और यहां डी एफ टू वन मतलब टू पर वन की वजह से। तो डी एफ वन टू मुझे लिखना है, यानी कि वन वाले तार के डीएल लंबाई पर चुंबकीय बल की अगर बात करें तो डी एफ वन टू इक्वल टू आई वन डीएल बी टू साइन टाइम टी। क्यों लिखा मैंने ये, क्योंकि चुंबकीय बल का फॉर्मूला होता है आई डी एल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ये फॉर्मूला था। यानी कि जो डीएल वेक्टर है और बी है दोनों के बीच का कोण लेना होता है, तो यहां पर ये डीएल वेक्टर ऐसे बन जाएगा धारा की दिशा में और मैग्नेटिक फील्ड डॉट वाला है, दोनों के बीच जो कोण है वो 90 डिग्री आ गया, बी इधर की ओर है और ये एल एस है, 90 डिग्री कोण था, इससे साइन 90 पुट किया, ये तो वन हो ही जाएगा। अब रही बात बी टू की, तो बी टू ये जो है किसका है, इसका यहां पर मैग्नेटिक फील्ड है, तो अनंत लंबाई का तार मान सकते हैं इसे, डी दूरी पर मैग्नेटिक फील्ड मिनट आई टू पॉइंट टू पाई डी रख दिया मैंने यहां पर, रखते ये रिजल्ट आ गया आई वन डी एल मिनट आई टू पॉइंट टू पाई डी साथ रखा तो ऐसा। इसी तरह से सेम यही काम इसके लिए करना, मुझे इसके डीएल की लंबाई पर मुझे बल ज्ञात करना है, तो वही काम कि वहां पर होगा आई टू डीएल और फील्ड किसका, इसका मतलब बी वन, तो यहां आई वन था वहां बन जाएगा आई टू, और बाकी इसका मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा उस पर म्यूनिट आई वन अपॉन टू पाई डी। तो यू लिख सकता हूं आई टू डीएल बी वन साइन 90, आई टू डीएल और ये पुट कर दिया, इसके बराबर ही तो वैल्यू आएगा, दोनों सेम ही तो है ये, यानी कि म्यू नॉट आई वन आई टू डीएल अपॉन टू पाई डी, म्यू नॉट आई वन आई टू डीएल अपॉन टू पाई बराबर वैल्यू है, यानी कि डी एफ वन टू कहो चाहे डी एफ टू वन को सेम ही आ रहा है, यानी कि इस तार की वजह से इस पर बल, इस तार की वजह से इस पर बल का परिमाण समान है, दिशा विपरीत है, एक्शन रिएक्शन क्रिया प्रतिक्रिया के नियम की भांति है, न्यूटन का तीसरा नियम की तरह हो रहा है, दोनों बराबर डी एफ टू वन और डी एफ वन टू दोनों बराबर। लेकिन ये किस पर लिखा, फिलहाल अल्प लंबाई डीएल पर बल है। अगर मुझे यहां पर पूरे तार की लंबाई पर बल ज्ञात करना हो, सपोज कोई लंबाई दे दी जाए एल लंबाई, तो एक तरीका तो ये भी लगा सकते हैं कि डीएल लंबाई पर बल मिल गया ना, तो किसी भी लंबाई पर बल ज्ञात करना तो समाकलन कर दो, इंटीग्रेशन कर दो, उससे आ जाएगा डीएल डीएल एल बन जाएगा यहां पर, तो इंटू एल हो जाएगा इसकी जगह म्यू नॉट एवन टू एल अपॉन टू पाई डी बन जाएगा। लेकिन नहीं करने वाले इंटीग्रेशन, हम जहां तक हो सके बिना इंटीग्रेशन काम हो रहा तो उसे कर लें, तो उसके लिए क्या करने वाले हम कि एकांक लंबाई पर चुंबकीय बल पहले दोनों तारों के लिए ज्ञात करने वाले हैं। अब एकांक लंबाई पर चुंबकीय बल कैसे ज्ञात करेंगे, कि डीएल लंबाई पर चुंबकीय बल मिल तो गया मुझे, ये ना डीएल लंबाई पर चुंबकीय बल ये मिला हुआ है, ये कह दो ये मिला हुआ है, तो जिस भी लंबाई पर चुंबकीय बल मिला उस लंबाई से डिवाइड कर दो, तो इसको डीएल से डिवाइड कर देंगे तो हमें डीएल लंबाई मतलब एकांक लंबाई का चुंबकीय बल मिल जाएगा। अगर एल एल लंबाई का मिला तो एल से डिवाइड करते, डीएल लंबाई का बल मिला हुआ है तो डीएल लंबाई पर बल पता, तो डीएल से डिवाइड करो तो ये बन जाएगा म्यू नॉट आई वन आई टू अपॉन टू पाई डी, एकांक लंबाई पर चुंबकीय बल। देखिए जरा प्रत्येक तार के एकांक लंबाई पर चुंबकीय बल डिवाइड बाय डीएल किया तो ये मिला, इसी को स्मॉल एफ से भी लिखा हमने म्यू नॉट आई वन आई टू अपॉन टू पाई डी इन न्यूटन पर मीटर, स्मॉल एफ के द्वारा व्यक्त किया गया। तो म्यू नॉट आई वन आई टू अपॉन टू पाई डी है ये न्यूटन पर मीटर में होगा निश्चित रूप से, और ये एकांक लंबाई पर चुंबकीय बल, तो ये रिजल्ट तो याद रखना है, तो सब फॉर्मूला याद रखना आपको ये एकांक लंबाई पर चुंबकीय बल वाला। लेकिन कब है ये, जब दोनों तार समांतर है और उनमें कम से कम एक तार की लंबाई ज्यादा है, अधिक लंबा है, अनंत लंबा है। अब कौन सा अधिक लंबा होना चाहिए उस पर वापस बात करना चाहे। देखिए आप यहां पर फिलहाल दोनों लंबे तार हैं, देखिए इसे ये रिजल्ट आया है या फिर ये वाला आया है, इस पर आने में देखें हम वन टू वन पर बल था ये, तो वन की लंबाई तो डीएल है और टू की लंबाई अधिक होने से ये फॉर्मूला आया है, फिर गौर करना। मतलब वन पर बल लिख रहे हैं तो जो बल लगा रहा है वो अनंत ये अधिक लंबा होना चाहिए, बल लगा रहा टू वाला, तब ये फॉर्मूला बन रहा है और तभी जाकर के ये फॉर्मूला आगे बन पा रहा है ये वाला। यानी कि जिस पे बल लग रहा है भले ही वो छोटा सा हो बड़ा सा हो, लेकिन जो लगा रहा है उसकी लेंथ काफी ज्यादा होनी चाहिए, अनंत लंबाई का होना चाहिए, तब ये फॉर्मूला काम, या दोनों अनंत लंबाई की कोई दिक्कत है ही नहीं तो एकांक लंबाई पर चुंबक बल ऐसा लिख सकते हैं, दोनों अगर छोटे हैं तो फिर ये फॉर्मूला काम नहीं आएगा, और ऐसा क्वेश्चन पूछा भी नहीं जाता मेडिकल टेस्ट में कि दोनों छोटे तार है तो क्या बल का मान, नहीं पूछा जाता।
तो अब इससे फायदा क्या हुआ, एकांक लंबाई पर चुंबकीय बल मिल गया ना हमें, न्यूटन पर मीटर में होना भी चाहिए निश्चित रूप से, तो किसी भी एल लंबाई पर मुझे बल ज्ञात करना है तो ज्ञात करना आसान है कि एकांक लंबाई पर चुंबकीय बल को मैं एल जिस भी लंबाई से मुझे एक्स लंबाई पर बल ज्ञात करना तो इंटू एक्स कर दूंगा, एल लंबाई को इंटू एल कर दूंगा तो आराम से तार की एल लंबाई पर चुंबकीय बल इंटू एल में आ जाएगा, तो ये न्यूटन में आएगा क्योंकि एल लंबाई से गुणा कर दिया, मीटर से गुणा कर दिया। अब जैसे दो तार हैं, दोनों में धारा विपरीत दिशा में है, एक आई वन धारा एक आई टू धारा। अब धारा जो विपरीत दिशा में है ना, तो हम ये बात कह सकते हैं यहां पर कि इन पर बीच बल की का नेचर कैसा है, आकर्षण या प्रतिकर्षण जरा चेक किया जाए। इसमें धारा ऐसे फील्ड अंदर की ओर क्रॉस बी वन आई टू, ये भी अंदर की ओर बी वन बी टू, तो बी वन बी टू आई वन आई टू दोनों मैग्नेटिक फील्ड पता कर लिए। तो अगेन ये कौन सा नियम लगाया, अंगूठा धारा की दिशा में रखा, हथेली को ओपन किया, अंदर की ओर मैग्नेटिक फील्ड की दिशा, दाहिने हाथ की हथेली का नियम। हालांकि उस टाइम जब लिखा कोई नाम नहीं लिया पर उसको फ्लेमिंग वाला भी कह देते हैं, ये बोला हमने। अब बल की दिशा ज्ञात करना है दोनों तारों पर, तो दाहिने हाथ की हथेली का नियम हमारा वाला, बल लगाना तो हम लगाए मतलब हमारा वाला। इस पर जरा देखें, अंगूठा धारा की दिशा में फील्ड अंदर बल ऐसे, तो ये बल इधर आ गया। इस पर लगाओ मैं अंगूठा धारा की दिशा में, क्योंकि हमने कहा था तार अगर सीधा है तो अंगूठा धारा दिशा में रख सकते हैं, अन्यथा हमें अंगूठे को विस्थापन की दिशा में रखना होता है। ऐसे फील्ड ऐसे बल ऐसे, तो क्या देखा हमने कि जब दोनों तारा में धारा विपरीत दिशा में है तो उन पर चुंबकीय जो बल होगा वो प्रतिकर्षण के नेचर का हो रहा है, विजातीय धारा प्रतिकर्षण। तो ये एक महत्वपूर्ण रिजल्ट मिला हमें। इससे पहले था समान दिशा में धारा तो आकर्षण था, विजातीय धारा मतलब अलग अलग दिशा में धारा तब है प्रतिकर्षण। ये तो आवेशों का उल्टा हो गया है, तो कि जो प्लस प्लस एक प्लस आवेश होता है और एक माइनस आवेश होता है उनके बीच आकर्षण का बल लगता है, विपरीत प्रकृति है आकर्षण है, या विपरीत धारा है तो प्रतिकर्षण, मतलब आवेशों का उल्टा ऐसे सोच के याद रख ले धाराओं के लिए, तो याद रह जाए, अदरवाइज सारा प्रोसेस पता करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। जैसे दो तारों में धारा समान दिशा में है तो कैसा है आकर्षण, जबकि आवेशों में क्या था प्लस प्लस, यहां था प्रतिकर्षण। तो मतलब अगर सीधा याद रखना चाहें तो आवेश का उल्टा है ऐसा याद रख लें। बाकी रिजल्ट इंपॉर्टेंट है, मैंने लिख दिया यहां पर कि यदि समांतर तारों में धारा समान दिशा में हो तो उनके बीच आकर्षण बल, तारा विपरीत दिशा में हो तो प्रतिकर्षण बल लगता है, रिजल्ट याद रहेगा तो क्वेश्चन में अप्लाई करने में आसानी रहती है। अब जब ये रिलेशन हमने बना ही लिया है एकांक लंबाई पर चुंबकीय बल का, तो क्यों ना फिर इसे और काम में लिया जाए। और काम में कैसे ले सकते हैं कि जैसे हमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है, पी क्यू आर तीन तार हैं, समांतर तार हैं, और इन तारों का आपस में जो दूरी है वो भी हमें बता रखी है, धारा का मान दिया हुआ है, क्यू तार जो है कि प्रति एकांक लंबाई पर चुंबकीय बल ज्ञात करना, किस पर, क्यू वाले पर, क्यू वाला कौन सा, बीच वाला है। तो अब चुंबकीय बल ज्ञात करना है एकांक लंबाई पर, तो फॉर्मूला तो एकांक लंबाई का लगा देंगे, लेकिन बल की जब बात चल रही तो बल तो सदिश राशि है, बिना दिशा के सॉल्व कैसे कर पाएंगे, यानी कि इस पर पी एवं आर की वजह से लगने वाले चुंबकीय बलों की दिशा पहले हमें ज्ञात करनी होगी। इस पी वाले तार की वजह से इस पर चुंबकीय बल बोलो आकर्षण या प्रतिकर्षण, तो हम जानते हैं कि पी वाले की वजह से इस पर आकर्षण का बल लगेगा, तो इसकी वजह से इस पर एक आकर्षण का बल लग रहा है, इसको कह दिया मैंने F by P, P की वजह से, स्मॉल F लिखा क्योंकि एकांक लंबे वाला फॉर्मूला लगाने वाला हूं। इन दोनों में धारा समान दिशा में, तो अगेन कौन सा बल, आकर्षण या प्रतिकर्षण, अगेन ये वाला इसको आकर्षित कर रहा है, तो F by R। तो क्या देखा हमने, इस Q वाले तार पर दो बल लग रहे हैं और दोनों बलों की दिशाएं विपरीत है। हम जानते हैं कि बल एक सदिश राशि है, नेट ज्ञात जब करना होता है तो दिशा के आधार पर उनके परिमाणों को हल करते हैं, तो दिशा विपरीत है तो इसका परिमाण और इस बल का परिमाण दोनों को क्या करेंगे, प्लस या माइनस, माइनस करना पड़ेगा। तो इसका परिमाण लिखो, इसका इस पर बल का और इसका इस बल का, तो यहां पर ये काम किया गया है, एफ बाई आर माइनस एफ बाई पी लिखा। अब कोई सोचे पहले ये क्यों लिखा, माइनस क्यों करना, पहले पी वाला लिख देते, सही बात है, कंसेप्ट सिंपल है कि जो बड़ा है उसमें से छोटे को माइनस कर देंगे, तो बड़ा वाला बल ये होगा। कैसे पता लगा कि दूरियां तो बराबर, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है, म्यू नॉट आई वन आई टू अपॉन टू पाई डी, डी समान, ये धारा भी दोनों में समान, बचा ये धारा और ये धारा,
तो ये जब बल लगाएगा तो ये धारा काम आएगी, ये लगाएगा तो ये धारा का रोल रहेगा ज्यादा, तो इस वजह से ये धारा ज्यादा होने से बल ज्यादा रहेगा, कौन सा आर वाला बल, इसलिए आर में से मुझे माइनस करना पड़ेगा। अब एफ बाई आर माइनस एफ बाई पी है ना, तो इसका इस पे बल का फॉर्मूला बोल देता हूं मैं, यहां लिखा हुआ तो अभी आ जाएगा आपके सामने, क्या बनेगा म्यू नॉट आई वन आई टू, आई वन आई टू म्यू नॉट फोर इंटू सिक्स अपॉन टू पाई वन। दूसरा इसका बोलता हूं, इस पर म्यू नॉट टू इंटू फोर अपॉन टू पाई वन माइनस कर देंगे, ये बोला जो अभी गया यहां पर। अब देखिए इसमें म्यू नॉट टू पाई और ये फोर कॉमन है, म्यू नॉट टू पाई और ये फोर कॉमन है, यहां सिक्स अलग है और टू अलग है, जब कॉमन लेंगे तो सिक्स माइनस टू मतलब फोर बन जाएगा, तो यहां पर सिक्स माइनस टू बन गया फोर, ये बन गया था फोर और इस फोर से टू टाइम कैंसिल, एट एट मिनट अपॉन पाई, ये आ गया एकांक लंबाई पर चुंबकीय बल, किसकी क्यू की एकांक लंबाई पर। तो क्यू तार के एकांक लंबाई पर चुंबकीय बल हमें मिल गया ना ये, तो अब क्या किया जाए, अगर कोई हमसे क्वेश्चन पूछे कि बताइए क्यू तार की एक सर्टेन लंबाई एक मीटर दो मीटर दस मीटर पर बल बताना है, तो एकांक लंबाई पर चुंबकीय बल को लंबाई से गुणा कर दो। तो हमसे अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि जो तार क्यू है उसकी 10 सेंटीमीटर लंबाई पर चुंबकीय बल ज्ञात करो, 10 सेंटीमीटर लंबाई पर, तो 10 सेंटीमीटर से गुणा कर देंगे इसको, तो इंटू 10 सेंटीमीटर जब करेंगे हम तो ये हो जाएगा 10 इंटू 10 के घात माइनस 2, यानी कि यह बन गया है 0.1 मतलब 0.8 आ जाएगा, एकांक लंबाई का बल इंटू लंबाई 0.8 आ गया। तो ये जो सोल्व किया था उससे यहां सीधा आंसर लिया है। एक और क्वेश्चन की बात कर सकते हैं, जब हमने कंसेप्ट समझ लिया है कि एक वायर है और एक स्क्वायर लूप है, इस स्क्वायर लूप पर हमें चुंबकीय बल का मान ज्ञात करना है, तो चुंबकीय बल का मान ज्ञात कर सकते हैं बड़े आराम से, लंबे तार की वजह से वर्गाकार लूप पर चुंबकीय बल हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले माइंड में जो एक लॉजिक आता है कि सर आपने बताया था कि लूप जब होता है तो उसका विस्थापन जीरो हो जाता है, और विस्थापन जीरो होने की वजह से चुंबकीय बल जीरो कह सकते हैं, कुछ ऐसा सोचते हैं, लेकिन जिन्होंने उस टाइम उस बात को पूरा लॉजिक ध्यान से सुना है समझा है वो समझ जाए कि नहीं नहीं सर ऐसा तो हो ही नहीं सकता। क्यों? उसकी शर्त क्या थी कि अगर वो लूप समरूप चुंबकीय क्षेत्र में रखा हुआ हो तो फिर अगर उसका विस्थापन जीरो है तो बल जीरो कह सकते हैं। तो सबसे पहले चेक किया जाएगा कि क्या ये धारावाही वर्गाकार लूप समरूप चुंबकीय क्षेत्र में स्थित है। हम जान रहे हैं कि इस तार की वजह से यहां पर मैग्नेटिक फील्ड की जो दिशा है वो क्रॉस वाली दिशा है, तो यहां पर क्रॉस वाला मैग्नेटिक फील्ड पूरे लूप पर अप्लाई हो रहा है, तो क्रॉस वाला मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई हो रहा है तो यहां फील्ड ज्यादा यहां कम यहां कम यहां कम मतलब लगातार घटता हुआ, तो असमरूप है, इसलिए एल वेक्टर यानी कि विस्थापन वाला यानी कि बी आई एल तो फॉर्मूला लगा ही नहीं सकते यहां पर हम, एल मतलब विस्थापन, तो विस्थापन नहीं ले सकते इसका, वो कंसेप्ट काम नहीं आएगा। अब क्या किया जाए, तो पूरे लूप असमरूप होने से अप्लाई नहीं कर पा रहे, तो क्या करेंगे तार के अलग अलग टुकड़ों के हिसाब से इसका अध्ययन किया जाएगा, यानी कि इस वर्ग को चार तारों के लिए अध्ययन कर, मतलब इस तार पर चुंबकीय बल इस पर चार पर अलग अलग समझना होगा हमें यहां पर। तो सबसे पहले इस तार का मैग्नेटिक फील्ड की दिशा में पता लगाई कि क्रॉस वाला मैग्नेटिक फील्ड इस पूरे पर अप्लाई हो रहा है क्रॉस बी वन पूरे स्क्वायर लूप पर। अब हर एक जो भुजा है उस पर दिशा ज्ञात करेंगे हम, तो दाहिने हाथ का थैली का नियम हमारा वाला, क्योंकि चुंबकीय बल की दिशा ज्ञात करने बल हम लगाएंगे, यानी कि धारा की दिशा में अंगूठा फील्ड अंदर बल इधर की ओर, तो चुंबकीय बल की दिशा ये आ गई है, इस पर चुंबकीय बल की दिशा ऊपर की ओर आ गई, चुंबकीय बल की दिशा बाहर, चुंबकीय बल की दिशा ऐसे बाहर। तो क्या देखा हमने, प्रत्येक भुजा पर चुंबकीय बल की दिशा लूप से बाहर की ओर है, तो इस पर चुंबकीय बल इधर आया, इस पर चुंबकीय बल इधर है, इस पर चुंबकीय बल इधर है, इस पर चुंबकीय बल इधर की ओर, तो प्रत्येक भुजा पर बल की दिशा ज्ञात कर ली। तो कुछ के मन में एक सवाल आता है, सर इससे ये कैंसिल कर दो, इससे ये कैंसिल, नेट जीरो कर दो, पर ऐसे कैसे हो जाएगा, पहले बल चेक तो करो बराबर भी है नहीं, क्योंकि समान परिमाण दिशा विपरीत तो तब जीरो होता है। तो यहां पर ये जो भुजा है और ये जो भुजा है, इन दोनों जो भुजाएं हैं, इन दोनों भुजाओं पर लगने वाला जो चुंबकीय बल उनका परिमाण समान आएगा। सॉल्व नहीं किया अभी लेकिन पता लग गया कैसे, क्योंकि इस तार का जितना मैग्नेटिक फील्ड इस पर अप्लाई हो रहा है उतना ही इस तार का भी इस तार का इस पर अप्लाई हो रहा है। जो लंबाई इसकी है वही लंबाई इसकी है, और जो धारा का मान इस पर भी धारा का मान इसमें भी है, इसलिए मैग्नेटिक फील्ड लंबाई और धारा सभी समान होने की वजह से चुंबकीय बल का परिमाण इन पर समान ही आएगा, दिशा चित्रानुसार विपरीत आ जाएगी। इसलिए दोनों पर बलों का परिमाण समान, दिशा विपरीत होने की वजह से
कुल चुंबकीय बल जीरो आना ही आना है, तो कुल चुंबकीय बल इन दोनों का तो जीरो हो जाएगा। अब बचे कौन कौन, ये दोनों बचे। अगर इसको मैंने P कहा, ये Q है, ये R है, ये S है, तो हम कह सकते हैं कि पी क्यू आर एस जो बुझाए हैं तो पी क्यू एवं आर एस दोनों पर अलग अलग बल होगा, क्योंकि इस तार के ये पास है, इस पर ज्यादा बल, इस तार से ये दूर है, इस पर कम चुंबकीय बल लगेगा। तो अब करना क्या पड़ेगा, दोनों विपरीत दिशा में है ना, तो इस पर जो चुंबकीय बल है उसको मैंने एफ पी क्यू कहा और इस पर चुंबकीय बल को मैंने एफ आर एस कहा, तो दोनों का जो बल है विपरीत दिशा में आएगा। बल की दिशा विपरीत होने की वजह से हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, इनका परिमाण अलग अलग होगा। तो मैं कह सकता हूं कि यहां पर जो बल होगा एफ नेट लूप पर जो होने जाना चाहिए एफ पी क्यू माइनस एफ आर एस, ऐसे लिखा जाएगा, पी क्यू में से आर एस को माइनस करेंगे। ठीक है, तो इस पर मुझे बल लिखना है। अच्छा, ये लंबाई एल है ना, तो ये लंबाई कितनी होगी, एल ही होगी, ये लंबाई भी एल ही होगी, दोनों लंबाइयां बराबर है, तो इस पर मुझे अगर बल लिखना है तो क्यों ना एक लॉजिक लगाएं हम, क्योंकि मुझे इस भुजा पर कुल बल चाहिए और इस पर कुल बल, दोनों का अलग अलग बल निकाल लूं मैं, तो इस पर बल लिखना है। तो क्या सिंपल तरीका कि इसकी एकांक लंबाई पर बल का फॉर्मूला लगा दो और फिर इसकी जो भुजा की लंबाई से उसको गुणा कर दो आप, तो इस पर बल मिल जाएगा, एक आसान तरीका समांतर तारों के लिए। तो इसकी एकांक लंबाई पर जो बल होगा वो हो जाएगा म्यू नॉट आई वन आई टू अपॉन टू पाई ए, ये तो एकांक लंबाई बल, इंटू क्या कर दूंगा मैं एल, तो म्यू नॉट आई वन आई टू अपॉन टू पाई इंटू एल। अच्छा, इस पर कितना हो जाएगा म्यू नॉट आई वन, क्योंकि धारा ये भी आई टू है, म्यू नॉट आई वन आई टू अपॉन टू पाई ए प्लस एल इंटू वहां पर भी एल। तो यहां पर कह सकते हैं हम वही बात जो भी बोला था कि ये तो एकांक लंबाई पर बल था इंटू लंबाई किया, एकांक लंबाई पर बल था इंटू लंबाई किया, तो बल मिल गए माइनस करना। बस अब तो करना क्या है, जो कॉमन आ रहा है कॉमन ले लो, सॉल्व कर लो, म्यू नॉट आई वन आई टू अपॉन टू पाई ये कॉमन आ रहा है, ये और ये पार्ट, ये आई वन है यहां पर भी आई वन आई टू, तो म्यू नॉट आई वन आई टू, म्यू नॉट आई वन आई टू अपॉन टू पाई है, तो यहां ये कॉमन आ गया, बस कॉमन वाले को कॉमन ले लिया जाए, एल भी कॉमन था तो वन अपॉन ए माइनस वन अपॉन ए प्लस एल, एल सम लेके सॉल्व करेंगे तो इजिली हमें रिजल्ट मिलता है। एल सम लेने के बाद ऐसे ए कैंसिल हुआ, एल स्क्वायर बन जाएगा यहां पर। तो ये जो क्वेश्चन है कई बार मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम में आया हुआ है, कई बार पूछा गया और हर साल क्लास में भी कराते आ रहे हैं इसको, लगभग 5 से 7-8 बार ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है, डिफरेंट एंट्रेंस एग्जाम की अगर बात करें हम तो, और हर साल क्लास में कराते हैं, हर साल पूरा का पूरा इसको ड्यूरेशन कराया जा रहा है, कई बार आ गया तब भी कराते आता भी रहता है। तो पहले कई बार क्वेश्चन कैसे पूछा गया था, ये कि लूप और तार के बीच बल का नेचर पूछा गया कि बताइए लूप पर जो नेट बल है वो आकर्षण का है या प्रतिकर्षण का, या इनके बीच आकर्षण या प्रतिकर्षण, या दूर जाएगा पास आएगा। तो फिलहाल के हिसाब से अगर बात करें ना हम, इन दोनों बलों में ये बल ज्यादा है, ये दोनों तो कैंसिल ही हो गए, तो ये बल ज्यादा है ना, तो नेट बल लगेगा इधर की ओर, यानी कि इनके बीच में बल का नेचर कैसा, आकर्षण या प्रतिकर्षण, आकर्षण, तो इनके बीच बल का नेचर आकर्षण का है। अगर धारा विपरीत हो जाती किसी भी एक में तो प्रतिकर्षण का जाता, उसमें कौन सी दिक्कत है, तो वो तो पता लगा लेते इजीली हम। तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा चेंज करके कई बार एग्जाम पूछा गया, लेकिन हर बार हम पूरा ड्यूरेशन कराते हैं, 4-5 साल पहले नेट बल कितना ये पूछ लिया, मतलब ये क्वेश्चन पूछा गया, तो ये हम क्लास में कराते थे, तो ये भी क्वेश्चन आ चुका है। तो ये तो बात हुई कि जो आया पूछा गया है, अब बात करें जो नहीं पूछा गया है, इन थोड़ा सा इसमें और थिंक किया जाए। जैसे ये तार है, ये तार है, इस पर हमने कहा कि हाँ दोनों पर समान परिमाण विपरीत प्रकृति का बल होने से कैंसिल हो जाएगा, लेकिन मान कितना है, मतलब ये धारावाही तार या ये धारावाही तार पर इसकी वजह से कितना बल, ये नहीं पता हमें, अभी इसको सोल्व नहीं किया हमने, अब तक नहीं सोल्व किया, तो अब जरा इसी की बात करने वाले हैं। तार पी क्यू पर चुंबकीय बल, मतलब एक तार ऊर्ध्वाधर एक तार क्षितिज, धारा आई वन धारा आई टू, इसकी वजह से इस पर चुंबकीय बल ज्ञात करना है। सोचा जाए चुंबकीय बल ज्ञात करने का मन कर रहा, सबसे पहले मन में आता है कि क्यों ना बिल लगा दूं, क्या लगा दूं, क्यों ना बिल लगा दूं, लेकिन बिल में हमें जरूरत पड़ती है कि बिल तभी लगा सकते हैं जबकि समरूप क्षेत्र हो, तो क्या इस तार पर इसकी वजह से समरूप क्षेत्र आरोपित हो रहा है, क्योंकि धारा आई वन की वजह से यहां पर मैग्नेटिक फील्ड बी वन तो है लेकिन लगातार बदलने वाला है, इसलिए बिल तो इस पर लगेगा नहीं, बिल नहीं लगेगा, तो फिर सोचता है मन ही मन क्यों ना इस पर म्यू नॉट आई वन आई टू अपॉन टू पाई डी लगा दूं, नहीं लगेगा क्योंकि दो तार समांतर होना जरूरी है उसके लिए, अगर समांतर होता तो लग जाता। तो अब तो एक ही सहारा है, अब तो जो डीएल एलिमेंट है अल्पांश है, उस अल्पांश पर जो चुंबकीय बल वाला कंसेप्ट है वही लगाना पड़ेगा, यानी कि एक अल्पांश यहां पर कंसिडर किया जाए, उस अल्पांश को यहां से दूरी अगर x लिया जाए और इस अल्पांश की लंबाई को हम dx कहें, तो इस dx लंबाई पर
जो होगा चुंबकीय बल, उस हिसाब से अगर बात की जाए तो चुंबकीय बल की यहां बात हम कर सकते हैं कि धारा, ये धारा इसमें है, धारा इधर है और फील्ड अंदर की ओर, बल ऊपर की ओर, चुंबकीय बल की दिशा ऊपर की ओर आएगी। तो क्या देखते हैं हम कि इस पूरे तार को कई सारे अल्पांश से मिलकर बना हुआ कंसिडर कर सकते हैं। प्रत्येक जो अल्पांश होगा उस पर लगने वाला चुंबकीय बल की दिशा किधर होगी? ऊपर 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 ऊपर, सबको जोड़ना होगा। सभी भी बलों की दिशा समान है। अगर एक पर बल डीएफ है तो डीएफ 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 कौन सी दिशा में? समान या अलग अलग? समान दिशा में है। तो हम जानते हैं कि जब जब सदिश समान दिशा में हो तो उनके परिमाणों को डायरेक्ट जोड़ दिया जाता है। तो यहां पर इस बल का परिमाण अलग अलग निकाल के जोड़ा जाए, एक एक को जोड़ना होगा। तो कंटिन्यू एडिशन यूज करेंगे, इंटीग्रेशन, फिर से इंटीग्रेशन लगाना पड़ेगा। तो हमने पहले भी कहा है जब जब भी इंटीग्रेशन की जरूरत पड़ती है ना, तो जो हमें ज्ञात करना होता है उसे पहले एक अल्पांश के लिए लिखते हैं। क्या ज्ञात करना? बल, बल लिखा जाएगा अल्पांश के लिए, लिख दिया अल्पांश के लिए बल। डीएफ इक्वल टू आई वन बी वन आई टू डीएक्स, डीएक्स इसकी लंबाई है, आई टू इसमें धारा है और बी वन इस तार का मैग्नेटिक फील्ड है। तो कहा था हमने कि इंटीग्रेशन से क्वेश्चन सॉल्व करना होता तो जो ज्ञात करना होता उससे पहले एक अल्पांश के लिखा जाता है। फिर चेक करते हैं उसमें मान रख के कि कहीं दो दो वेरिएबल तो नहीं। तो पहले हम इसमें बी वन रख देते हैं। एक बार बी वन किसका था? इसका, एक्स दूरी पर मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड जैसे मैंने रखा तो मैग्नेटिक फील्ड का मान तो ये आएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड का मान जब रखता हूं मैं यहां पर तो ये मिल जाता है इसमें रिजल्ट में म्यू नॉट, यहां लिख देता हूं मैं म्यू नॉट आई वन अपॉन टू पाई एक्स आई टू डी एक्स, ये आ गया। अब इसमें ये देखा जाता है कि बी वन का मान रखा मैंने, कुछ नहीं किया इसके अलावा, आई टू डी एक्स वगैरह। अब क्या कहीं दो दो वेरिएबल तो नहीं इसमें? अगर दो दो वेरिएबल, बस एक्स वेरिएबल है यहां पर देखो, अगर दो वेरिएबल होते ना, क्योंकि आई वन हमें दिया हुआ, आई टू दिया हुआ है, टू पाई कॉन्स्टेंट, म्यू नॉट कॉन्स्टेंट, एक्स वेरिएबल है, तो एक ही वेरिएबल है, दिक्कत। अगर दो वेरिएबल होते क्या करते हम, एक वेरिएबल की फॉर्म में कन्वर्ट करके फिर सॉल्व करते हैं। तो पहले अल्पांश के लिख दिया हमने, अब इसके बाद इंटीग्रेशन की लिमिट लगाते हैं प्रॉपर। प्रॉपर जब लिमिट लगाते हैं तो क्या करते हैं, क्या ध्यान रखते हैं कि जितने भी अल्पांश हैं सभी अल्पांश उसमें शामिल हो जाए। इस ढंग से उस वेरिएबल, जो एक वेरिएबल होता है, उसकी न्यूनतम अधिकतम मान रखते हैं। तो एक्स का मापन यहां से किया जा रहा है तो सबसे पहला अल्पांश यहां मिलेगा, सबसे लास्ट वाला यहां मिलेगा। तो न्यूनतम मान से लेकर अधिकतम मान तक हमें जाना होगा। एक्स का न्यूनतम मान ए होगा, अधिकतम मान ए प्लस एल के बराबर होगा। तो ए टू ए प्लस एल जाना होगा हमें। तो यहां पर जो लिमिट लगेगी वो ए टू ए प्लस एल मिनट आई वन आई टू अपॉन टू पाई एक्स डी एक्स। बस ये महत्वपूर्ण काम था। इसके बाद क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बचा है, क्वेश्चन खत्म। तो एक बार फिर शॉर्ट में बता रहा हूं कि पूरे तार पे एक बार में ज्ञात नहीं कर पा रहे थे, अल्पांश लिया, अल्पांश पे ज्ञात करना होगा। अल्पांश का लिखने के बाद उसमें चेक कर लो एक ही वेरिएबल है ना, हाँ एक ही वेरिएबल है, तो बस फिर तो लिमिट लगाना प्रॉपर। कैसे? कि सारे अल्पांश आ जाएं, तो एक्स का न्यूनतम मान हो सकता है ए, सबसे पहला अल्पांश भी, उसके बाद का बढ़ते बढ़ते लास्ट तक के लिए ए प्लस एल हो जाएगा। तो ए टू ए प्लस एल यहां पर लिखना पड़ेगा हमें। इट मीन्स अब कॉन्स्टेंट कौन कौन है, अगला स्टेप होता है कि कॉन्स्टेंट को बाहर निकालो, तो ये कॉन्स्टेंट पैरामीटर इनको बाहर लिख देंगे। बचेगा क्या? डीएक्स अपॉन एक्स। तो डीएक्स अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? लॉग एक्स होता है। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि म्यू नॉट आई वन आई टू अपॉन टू पाई लॉग ई एक्स ए टू ए प्लस एल। तो इसमें क्या कर दिया जाएगा, अब इसको यूं ले सकता हूं मैं, म्यू नॉट आई वन आई टू अपॉन टू पाई लॉग ए प्लस एल माइनस लॉग ए, ये लिखा जाएगा। मतलब इसके बाद की स्टेप ये आ जाएगी, अपर लिमिट पुट किया, फिर माइनस लगाया, फिर लोअर लिमिट पुट कर दिया। तो इस तरह से अब क्या बन जाएगा, ये बनेगा लॉग ए माइनस लॉग बी होता लॉग ए अपॉन बी, तो ये ए नीचे आ जाएगा। और इसको फाइनली यूं लिख सकते हैं, ये तो आगे वही था सेम, ए प्लस एल अपॉन एल, ऐसे भी कह सकते हैं। वैसे ये क्वेश्चन एक बार जब ऑल इंडिया पीएमटी नाम से एग्जाम होता था नीट वाला, तब जब सब्जेक्टिव पैटर्न था उस टाइम आया हुआ क्वेश्चन, ये इस तरह का क्वेश्चन पूरा लिख के सॉल्व करना था। हालांकि अब ऐसे क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी कम होती है, बट कंसेप्चुअल है, हमें प्रोसेस पता होना चाहिए कि क्या करना चाहिए इसमें। अच्छा, ये तो हमने क्या कर लिया, इसमें बल कितना लग रहा है ज्ञात कर लिया। अब इसमें एक बात और पूछी जा सकती है कि जैसे ये जो चुंबकीय बल है ना, इस चुंबकीय बल की दिशा बतानी, किधर लग रहा बल, ये पूछा जाए।
तो यहां क्या देखा था, बल जो लग रहा है इस धारावाही तार पर, इस तार का मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस वाला है। अब इस धारा पर फील्ड में बल की दिशा बताए हम, तो दाहिने हाथ का तलिका नियम हमारा वाला लगाएंगे, अंगूठा ऐसे, फील्ड अंदर, बल ऊपर, ये चुंबकीय बल की दिशा। तो चुंबकीय बल की दिशा चित्र बताने तैसे बता सकते हैं इस तार पर। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन का पूछने का ढंग बदल सकता है, ये दिशा न दिया हो, कुछ अलग ढंग से पूछा हो, तो जैसा सिचुएशन उसके हिसाब से आंसर देंगे। देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। क्षैतिज तार पी क्यू पर बल यानी कि चुंबकीय बल की प्रकृति क्या होगी, ये हमें बताना है। इसकी वजह से इस पर कुछ लोगों ने सोच लिया, हाँ सर लग रहा है बल पता कर लिया हमने, ऑप्शन देख के बताना है फिर, समझे ना, ऑप्शन के बेस पर आंसर बताना आपको। अब बता दो क्या आंसर आएगा, कि आकर्षण होगा या प्रतिकर्षण होगा, एक और दोनों होंगे या कोई बल नहीं। सोच में पड़ जाते हैं स्टूडेंट, बहुत देर सोचते रहते हैं, आप भी चाहो तो अपना वीडियो रोक करके सोचते रहो। ठीक है, आपने सोचा, कुछ लोग बताते हैं कोई बल नहीं। अरे इससे पहले कितने देर तक सोल्व किया, इंटीग्रेशन किया पूरा, आप कह रहे हो कोई बल नहीं। सोल्व किया था, नहीं किया था, अभी बल निकाला पूरा हमने इंटीग्रेशन करके, तो बल तो लगता है, म्यू नॉट आई वन आई टू पॉइंट टू पाई लॉग ए प्लस एल अपॉन ए, क्या था, बल ही तो था इस तार पर। अब कह दिया कि बल नहीं है, कुछ लोग कह रहे नहीं सर वो गलती से कह दिया हमने, एक और दो दोनों होने चाहिए। पर एक और दोनों होने मतलब क्या कहना चाहते हो आप, आकर्षण भी है प्रतिकर्षण भी है, मतलब वही बात कहना चाहते हो कि इधर भी मतलब नहीं लग रहा, यार ये दोनों तो हो ही नहीं सकते, गलत, इनमें से कोई एक होगा। कुछ लोग बहुत कंफ्यूज, भयंकर कंफ्यूज, तो सर कैसे होगा, क्या होगा, सोचना पड़ेगा। ऑप्शन के आधार पर कैसे पता लगाएं हम, जैसे इसकी वजह से बल मतलब फील्ड की दिशा ये थी, हमने चेक किया प्रत्येक अल्पांश पर जो बल है ना उस बारे में पता किया जाए, इस पे बल ऊपर की ओर ज्यादा था, बल कम 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 और कम, ऐसे बल घटता जा रहा है, जीरो नहीं कम ने, कुछ लग रहा अल्पांश से धारा है बल है कुछ ना कुछ, बट बल घटता जा रहा है, इस तरह से बल का नेचर है। तो इस पर्टिकुलर क्षण पे तो बल की दिशा यही है, सही बात है, लेकिन ऐसा कोई ऑप्शन है ही नहीं और बल भी लग रहा है, तो देखते हैं क्या हो रहा है इसमें। ये बल ज्यादा होने की वजह से इधर से विस्थापन ज्यादा होगा, इधर कम होगा, मतलब ये जो तार है ऐसे शिफ्ट होना शुरू होगा, और ऐसे जब शिफ्ट होगा तार तो ये फाइनली ऐसे हो जाएगा। कुछ के मन में आता सर ये ऐसे शिफ्ट होता जा रहा है, ये बल ज्यादा बताया आपने फिर तो ये घूमने लग जाएगा, ऐसा तो नहीं होगा कहीं। और जैसे जैसे यूं होता जाएगा ना तो ये दो बल को, बलों के बीच जो अंतर है ना ये घटता जाएगा, और यहां आता है तो सभी बल बराबरी परिमाण को जाएंगे, क्योंकि दूरी बराबर हो जाएगी, तार समांतर हो जाएगा, तो फिर तो नेट बल ऐसा लग जाएगा और ये प्रतिकर्षण के रूप में बन जाएगा, दूर जाएगा फिर तो प्रतिकर्षण आएगा इसका आंसर। तो ये इसका आंसर आएगा प्रतिकर्षण। और कुछ और पूछ लिया जाए इसमें कि बताओ तार का मोशन किस टाइप का होगा, घूर्णनी या स्थानांतरी, दोनों हो रहा है, घूर्णन भी हो रहा है अपनी जगह भी बदल रहा है, प्रकृति प्रतिकर्षण घूर्णनी, घूर्णी एवं स्थानांतरित दोनों बात इसमें हो रही है। अब इसमें बात करते हैं तार के संतुलन की। तो अब तक हमने धारावाही तार पर चुंबकीय बल की जो बातें की है ना उसमें बेसिक कंसेप्ट तो जान लिए, यानी कि समरूप क्षेत्र में तार है तो बल पता कर लिया है, बिल साइन थीटा लगाते हैं, और समांतर तार है तो कंसेप्ट जान लिया, म्यू नॉट आई वन आई टू पॉइंट टू पाई लगाते हैं। अब थोड़ा अलग ढंग से तार यहां पर रखे गए हैं, जो तार हैं दोनों तार ऊर्ध्वाधर तल में रखे हैं, जैसे यूं कहें हम कि एक तार ऐसे रखा हुआ है और एक और तार इसके नीचे रखा हुआ है, दोनों धारावाही तार हैं एक ही तल में, एक के नीचे एक रखा हुआ है, ऊर्ध्वाधर तल में तार हैं। तो अब एक तार को तो इससे फिक्स कर दिया, बांध दिया यहां से, ये धारावाही तार धारा इसमें आई वन बह रही है, और एक तार इसके नीचे जो फ्री वायर मतलब मुक्त तार है, ये मुक्त है, फ्री है, अगर चुंबकीय बल मतलब इसमें धारा अगर बंद कर दे नीचे गिर जाएगा, ये तार कोई फिक्स है, इसके नीचे एक तार फ्री है, अगर इसको धारा की वजह से आकर्षण का बल लग रहा है नीचे गिर जाए। अच्छा, आकर्षण का बल इन तारों में लगने के लिए क्या आवश्यकता है, कि दोनों तारों में धारा की दिशा समान हो, तभी इनके बीच में आकर्षण का बल लगेगा। तो आकर्षण का बल लगने से तो निश्चित रूप से यहां पर जितना तार का इसका जो भार है उसके बराबर ही चुंबकीय बल लग रहा होगा, तभी जाके संतुलन में है, यानी कि एफ एम इक्वल टू एम जी यहां पर है, तो तार संतुलन में तो है, ये नेट फोर्स पे जीरो तो लग रहा है। जो संतुलन में है तो इसका संतुलन का प्रकार क्या होगा, क्यों ना उस बारे में थोड़ी सी बात कर ली जाए। संतुलन का प्रकार चेक करना है चाहे तो चेक कर सकते हैं।
संतुलन की जब बात आती है, संतुलन एक जो कण होता है, कोई भी पार्टिकल है, उसका संतुलन के हिसाब से अगर बात करें तो आपने पहले भी शायद पढ़ा हो कहीं, तो संतुलन को ऐसे अलग अलग तरह से डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि माना कि एक कोई ये कंटेनर है, छोटी सी गेंद है, यहाँ पर एक छोटा सा कण है गेंद जैसा, तो उसको अगर जब यहाँ रखा हुआ बॉटम में एकदम, तो वो उस पर नेट बल जीरो संतुलन। लेकिन अब उसका संतुलन का प्रकार इस कंटेनर में चेक करना चाहते, इस पात्र में चेक करना चाहें, तो क्या करना पड़ेगा, इसको जहां पर इस पर बल जीरो वहां थोड़ा सा वहां से हटा दिया जाए, विस्थापित कर दिया जाए, वैसे माना कि यहां लाके इसको छोड़ दिया, तो क्या होगा, वापस लौट के इधर आएगा। अगर दूसरा केस मैं लेता हूं इस तरह का, यहां पर कण कोई छोटी सी बॉल कण रुका हुआ है, मतलब नेट बल जीरो संतुलन में है, तो इसका प्रकार चेक करना चाहूं मैं, तो क्या करना पड़ेगा, यहां से हटा के थोड़ा सा एक तरफ रख दूं मैं, फिर चेक करना किसका क्या हुआ, वापस आया नहीं आया, तो इसमें पता लगेगा वापस नहीं आएगा। और एक और कंडीशन की बात करें, यहां संतुलन में नेट बल जीरो है, उठा के इसको यहां रख दें और फिर देखें क्या हुआ। तो सिचुएशन ये है कि यू चेक करते हैं किसी कण का संतुलन, कि कण अगर जहां पर उस पर नेट बल जीरो है, इस पर यहां नेट बल जीरो, इस पर यहां नेट बल जीरो, इस पर यहां नेट बल जीरो, चेक करने का तरीका ये कण को अपनी संतुलन अवस्था से थोड़ा सा विस्थापित किया जाए और छोड़ दिया जाए। अगर कण वापस अपनी पोजिशन पर, वास्तविक स्थिति पर आने का प्रयास करता या आता है, तो हम कह सकते हैं कि उसका संतुलन यहां पर स्थायी संतुलन है। अगर कण को विस्थापित करने के बाद वापस अपनी कंडीशन में लौट के नहीं आता है, चला जाता है, भाग जाता है, तो उसका संतुलन यहां पर अस्थायी था। और कण को अगर स्थापित करने के बाद जहां रखा वहीं पड़ा है, तो उसका संतुलन उदासीन संतुलन कहलाता है, ऐसा कह सकते हैं। तो ये स्थायी संतुलन को व्यक्त हो रहा है यहां पर, अस्थायी संतुलन है, और ये उदासीन संतुलन है, ऐसा कह सकते हैं। यानी कि संतुलन का प्रकार चेक करने के लिए हमें थोड़ा सा विस्थापित करना पड़ता है, थोड़ा इधर या उधर, उसके बाद देखते हैं वापस लौट के आ रहा नहीं आ रहा, वहीं पे जा था वहां पर। तो यहां पर तार पर नेट बल जीरो है, मतलब संतुलन में है। अब संतुलन में तो है, संतुलन का प्रकार कैसा है ये चेक करना चाहे, तो संतुलन का प्रकार चेक करने के लिए मैंने क्या किया, इसको थोड़ा सा नीचे खिसका दिया। जैसे इसको मैं नीचे खिसकाऊंगा तो ये mg बल जो भार है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, थोड़ा सा नीचे खिसकाने से, तो इसका भार तो वही है बल, लेकिन इस तार से दूरी बढ़ने की वजह से इस पर लगने वाला जो आकर्षण का चुंबकीय बल वो कम हो जाएगा। तो ये बल कम हो गया है, मतलब अब ये बैलेंसिंग नहीं है, तो ये तार नीचे क्या किसका है, नीचे गिर जाएगा, वापस लौट के नहीं आएगा। मतलब यहां इंगित हो रहा है कि इस तार का यहां पर संतुलन अस्थायी है। आप चाहे तो रिवर्स वे में चेक कर सकते हैं कि अभी यहां सपोज संतुलन में है, थोड़ा सा ऊपर खिसका के देखो मैं, देखते वापस आता नहीं आता, थोड़ा सा ऊपर खिसका रहा हूं तो mg पे फर्क नहीं पड़ा, ऊपर खिसकाते इनके बीच की दूरी का मान कम हो गया, दूरी कम होते ये बल बढ़ गया, ये बल बढ़ने का मतलब क्या हो गया कि ये और ज्यादा आकर्षित होकर इसके पास चला गया और वापस लौट के नहीं आ रहा, मतलब जहां था वहां वापस लौट के नहीं आ रहा है, इसलिए हम कह सकते हैं कि यहां इसका संतुलन है अस्थायी संतुलन। अब अस्थायी संतुलन है ना, तो मैं कह सकता हूं fm बराबर mg होगा। तो या तो सीधा सीधा जैसे कोई चुंबकीय बल होता है इसको लिख दिया जाए fm इक्वल टू bil, और कोई क्वेश्चन बनाना चाहे तो bil इक्वल टू mg पे आधारित क्वेश्चन बना सकता है, कोई भी पैरामीटर एक अननोन देगा बाकी नॉन होगा, क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ऐसा क्वेश्चन आया भी हुआ, मेडिकल इंटरेस्ट से पूछा गया है। कभी कभी जो यहां पर जैसे मैंने l लिखाना, तो l क्या होना चाहिए, तार की लंबाई होगी इसकी, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन में अधिक लंबे तार होने की वजह से उन तार की लंबाइयां हमें नहीं दी जाती है, न तार की लंबाई दी जाती है न तार का द्रव्यमान दिया जाता है, क्योंकि तार की लंबाई पता नहीं कितनी है। तो उस कंडीशन में फिर एकांक लंबाई का भार और एकांक लंबाई का चुंबकीय बल काम में लिया जाता है, इस तरह से लिख करके दोनों तरफ अगर एल से डिवाइड करें हम, तो यहां पर एम बाई एल को अगर लिख दिया जाए क्या, लैम्डा, एम बाई एल, लैम्डा मतलब एकांक लंबाई का द्रव्यमान, और ये एकांक लंबाई पर चुंबकीय बल क्या था, म्यू नॉट आई वन आई टू अपॉन टू पाई डी या एच जो भी कहें उसे, तो ये बनेगा इक्वल टू लैम्डा जी, यानी कि एकांक लंबाई का भार ये होगा, एकांक लंबाई पर चुंबकीय बल के बराबर करना पड़ेगा। तो अब ये जो रिलेशन है ये भी साम्यावस्था में है और ये भी साम्यावस्था वाली इक्वेशन है, तो साम्यावस्था वाली दोनों ही जो इक्वेशन है यूजफुल है, क्वेश्चन का सॉल्यूशन यहीं से निकलेगा। मतलब क्वेश्चन बोलेगा कि एक स्थिर तार, एक फिक्स तार, ये स्थिर तार कह दें या फिक्स तार कह दें, इस तार के नीचे को दूसरा जो तार है वो संतुलन में है, फिक्स होने का, या तो ऐसे बता दो या ऐसे बता दो, फिक्स धारावाहिक तार है तो इसके जो फिक्स है उसके नीचे दूसरा संतुलन में है, तो संतुलन में होने पर कुछ बातें क्या क्या पूछ सकता है क्वेश्चन, क्वेश्चन ये पूछेगा कि एक स्थिर तार के नीचे कितनी दूरी पर धारा I2 वाला तार रखें कि संतुलन में रहे, मतलब दूरी पूछेगी, मतलब एच पूछा गया, तो ये लगा दो जबकि लैम्डा आपको दिया जाए, या फिर ये पूछे हमसे
I1 धारा के नीचे एक तार को संतुलन में रखना है, तो अगर दूरी का मान है तो धारा कितने प्रवाहित करेगी संतुलन में आ जाए, मतलब I2 पूछा गया तब भी सही सॉल्व होगा। कुमला के इस तार का संतुलन दिया तो आप ये इक्वेशन काम में लेके सॉल्व कर सकते हैं। अब ये तो तार यहां पर नीचे संतुलन में था, तार तो संतुलन में ऊपर भी हो सकता है, कोई स्थिर तार है, फिक्स तार है, ये धारावाही तार है, अब इसके ऊपर तार रख दूं मैं तो भार से नीचे गिरना चाहेगा, लेकिन अगर ये प्रत्यक्षण बल इस पर लगाए तो तार भाव ऊपर भी रुक सकता हवा में। कैसे? ऐसे रुक सकता है कि ये नीचे वाला तार फिक्स कर रखा है सपोर्ट से और ऊपर तार को फिक्स कर रखा है, तो उसके लिए प्रत्यक्षण बल लगाना होगा। और प्रत्यक्षण बल कब लेगा? जब दोनों धाराएं जो I1 I2 है वो धाराएं कैसी हो? विपरीत दिशा में धाराएं हो, तो विपरीत दिशा में धारा होने पर प्रत्यक्षण का बल लगता है। अच्छा, यहां पर भी तार संतुलन में है, अब कब संतुलन में होगा? जब FM बराबर MG होगा तब संतुलन में रहेगा, नेट बल जीरो रहेगा। तो अब इस तार का संतुलन का प्रकार जरा चेक किया जाए, क्या करना पड़ता है? तार को थोड़ा सा शिफ्ट किया जाए, मैंने तार को थोड़ा नीचे खिसका दिया। अब नीचे खिसकाने के बाद नेट बल का नेचर देखता हूं मैं, जैसे मैं नीचे खिसकाया ना तो MG में फर्क नहीं पड़ा, लेकिन इसके पास ही आने की वजह से इस चुंबक के बल का मान जो इसकी वजह से इस पर लग रहा है, तो इस तार का इस पर चुंबक के बल बढ़ गया है क्योंकि पास ले आए, तो ये बड़ा हो गया है। ये बड़ा होने की वजह से नेट बल ऊपर लग जाएगा, मतलब हम नीचे खिसका रहे हैं तो नेट बल ऊपर लग रहा है, वापस ऊपर ले जा रहा है, जहां था वहीं ले जा रहा है, स्थायी संतुलन। अगर हम थोड़ा इसको ऊपर खिसका देते हैं तो ये बल तो MG भार तो वही है, लेकिन ऊपर खिसकाने पर दूरी बढ़ जाएगी तो इसकी वजह से इस पर चुंबक घट जाएगा, मतलब ये बल ज्यादा है ये कम हो गया, तो नेट बल नीचे लग जाए। हम ऊपर खिसका रहे हैं नेट बल नीचे ला रहा है, अब नीचे खिसका रहे हैं नेट बल ऊपर ले जा रहा है, मतलब यहां इसका संतुलन जो है वो स्थाई संतुलन से आप कह सकते हैं, स्थाई साम्यावस्था इसके यहां पर है। बाकी बातें तो वही है कि तार यहां भी संतुलन में है तो यहां भी FM इक्वल टू MG होगा, और यहां भी एकांक लंबाई पर लिखना चाहें तो वही आ जाएगा, वही M/L को लैम्ब्डा कह देंगे, वही इक्वेशन सेम आ जाएगी और वही सेम वैरायटी बन जाएगी। कोई क्वेश्चन पूछे स्थिर तार से ऊपर कितनी दूरी पर धारा I2 वाला तार संतुलन में रहेगा, पर दूरी पूछ लिया तो दूरी ज्ञात कर लेंगे, धारा पूछे धारा ज्ञात, जो भी पूछा जाए उसको ज्ञात कर लेंगे। अब एक खास क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन में बोला है कि तार P स्थिर तार Q के नीचे साम्यावस्था में है, ये तार Q है फिक्स कर रखा, धारा प्रवाहित हो रही, इस पूरा अरेंजमेंट धारा कैसा नहीं, धारा सर कहां से जा रही, इसमें धारा प्रवाहित है, तो अब ये तार संतुलन में है। यहां पर क्वेश्चन ने बोल दिया संतुलन में है, मतलब क्या होगा? FM इक्वल टू MG होगा संतुलन में, तो होना ही होना चाहिए साम्यावस्था में, FM बराबर MG। किसी एक तार में धारा की दिशा को विपरीत कर दी जाए तो मुक्त तार P का त्वरण ज्ञात कीजिए। मुक्त तार कौन है? ये वाला मुक्त मतलब फ्री है, बस केवल आकर्षण बल से रुका हुआ है वो। तो साम्यावस्था में क्या है? ये दोनों बल बराबर, जितना ये अगर 10 न्यूटन तो ये भी 10 न्यूटन है, तभी तो संतुलन में है वो, मतलब इसके बराबर परिमाण का बल लग रहा है। तो अब धारा विपरीत करना है किसमें? किसी भी एक में। जैसे अभी क्या बल था? इसकी वजह से आकर्षण का बल था ना, अगर धारा विपरीत कर दूंगा तो बल प्रतिकर्षण का बन जाएगा, क्योंकि जब धारा समान दिशा में हो जाएगी तो प्रतिकर्षण बल लगता है, तो ये वाला FM भी नीचे लग जाएगा, दोनों बल समान दिशा में हो जाएंगे। कैसे? ऐसे दोनों बल समान दिशा में बन जाएंगे, तो ये वाला MG है और ये FM जो यहां था ना, ये बल भी नीचे आ गया, FM वाला बल भी, तो ये वाला बल जो FM है EFM, ये भी नीचे आ गया, तो MG और FM दोनों समान दिशा में हो गए। तो बस ये पता लग गया ना कि धारा विपरीत करते दोनों समान दिशा में, अब तो काम एकदम आसान हो गया हमारा। कैसे आसान हो गया? त्वरण तो ज्ञात करना है, तो त्वरण क्या होता है? जिसका भी त्वरण ज्ञात उस पर नेट बल बटा उसका द्रव्यमान, तो नेट बल कितना होगा सोच के बताइए, FM प्लस MG, नेट बल FM प्लस MG। लेकिन त्वरण जो बताना वास्तव में, वो त्वरण कौन सा है यहां पर जो ज्ञात करना हमें, वह त्वरण हमारा है तात्क्षणिक त्वरण। त्वरण कौन सा है? वो तात्क्षणिक त्वरण हमें ज्ञात करना है, तो तात्क्षणिक त्वरण जब हमें यहां पर ज्ञात करना है, भले इस पर लिखा नहीं पर वो तात्क्षणिक ही होगा ज्ञात, जैसे हम चेंज करेंगे ना तारा की दिशा को तो उस क्षण पर ही ज्ञात करेंगे, बाकी तो ज्ञात कर भी नहीं पाएंगे, फिर तो लगातार नीचे गिरता जाएगा, दूरी बढ़ती जाएगी, तो कुछ नहीं कहा, तो मतलब उसी क्षण ज्ञात करना है जिस क्षण धारा की दिशा को विपरीत किया गया है, तो दोनों समान दिशा में होने की वजह से नेट बल FM प्लस MG। तो खास बात कह रही उस क्षण कि जितना बल का, जो ये बल पहले MG के बराबर था ना FM, तो धारा की दिशा भले ही बदल दिया है, ये नीचे क्यों हो गया, लेकिन न तो हमने धारा का कोई मान बदला है, न कोई दूरी बदली है उस क्षण पर, तो चुंबकीय बल का जितना मान ऊपर था उतना ही मान के साथ नीचे आ गया, तो मत उतना मान कितना? MG के बराबर, क्योंकि चुंबकीय बल का मान डिपेंड कर रहा है इन दोनों धाराओं पर और इनके बीच की दूरी पर,
तो उस क्षण न धाराएं बदली गई है न दूरी बदली गई है, इसलिए उतना ही है, उतना कितना mg के बराबर। तो ये बल अगर mg है तो ये भी mg ही है, mg प्लस mg, कितना mg, 2mg, क्या नेट बल। तो त्वरण क्या होगा, नेट बल बटा द्रव्यमान, तो 2mg अपॉन m, तार p का त्वरण, नेट बल fm प्लस mg, mg प्लस mg, 2mg अपॉन m, यानी कि आ गया g, मतलब 2g, तो 2g इसका त्वरण आ गया, ऐसे ज्ञात कर सकते हैं, मतलब नेट बल ज्ञात कर लो, फिर उसके बाद काम सिंपल हो गया। तो ये कुछ खास वैरायटी जो थी इसके लिए थी, वो हमने स्टडी कर ली, समझ ली है। इसके बाद चुंबकीय आघूर्ण स्टडी करने वाले हैं, द्विध्रुव आघूर्ण की बात करने वाले हैं नेक्स्ट। अपना हेडिंग है चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण किसके लिए होगा, पहले उस बारे में बात की जाए। इसमें आया द्विध्रुव आघूर्ण, द्विध्रुव के बारे में अगर बात करें, चुंबकीय द्विध्रुव कौन होते हैं, जैसे एग्जाम्पल है कुछ, हम धारावाही लूप है, छड़ चुंबक है, धारावाही कुंडली है, प्रणालिका है धारावाही, ये सभी चुंबकीय द्विध्रुव हैं। तो इनका चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण भी होगा कुछ न कुछ, लेकिन जो द्विध्रुव नहीं है उनका द्विध्रुव आघूर्ण भी नहीं होगा। जैसे टॉरॉइड, कोई ध्रुव भी नहीं होते उसमें, तो द्विध्रुव नहीं, द्विध्रुव आघूर्ण भी नहीं होगा। धारावाही तार, कोई द्विध्रुव नहीं होते तो द्विध्रुव आघूर्ण भी नहीं होगा। तो जो द्विध्रुव होते हैं उनका द्विध्रुव आघूर्ण होता है। अब आती बात कि द्विध्रुव आघूर्ण जो बात कर रहे हैं, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, जिस तरह से इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर बात करते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैसे यहां पर चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण है। जैसे उसका इंपॉर्टेंस है, वैसे इसका इंपॉर्टेंस है। अब आती बात इंपॉर्टेंस क्या इसका है, क्यों स्टडी करते हैं इसको, क्या समझते हैं इससे हम। तो वास्तव में यहां पर जो आघूर्ण वर्ड आ रहा है, घूर्ण वर्ड आ रहा है, मतलब वास्तव में जब द्विध्रुव को हम बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो इसका घूर्णन से संबंधित जो प्रभाव है उसको समझने में हेल्प मिलती है। तो उसको स्टडी करने के लिए चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण को परिभाषित किया गया है। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक में वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण परिभाषित किया गया पी इज इक्वल टू क्यू इंटू एल, वैसे यहां पर चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण को परिभाषित किया गया। लेकिन यहां पर दो तरह से परिभाषित किया गया है, एक बार छड़ चुंबक के लिए और दूसरी बार धारावाही लूप अथवा कुंडली से मिलकर बनने वाले द्विध्रुवों के लिए। तो पहले यहां पर बात करने वाले हैं छड़ चुंबक के लिए। तो छड़ चुंबक के लिए चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की जब बात करें, तो पहले हम जो पहले कुछ बात तो वो थोड़ी सी जो पहले से पढ़ चुके हैं फर्स्ट लेक्चर में हम, कि एक छड़ चुंबक जो होती है उसमें दो ध्रुव होते हैं, एक एन ध्रुव होता है, एक एस ध्रुव होता है, दोनों का कोई ना कोई ध्रुव सामर्थ्य होता है। दोनों का ध्रुव सामर्थ्य की अगर बात करें, एक का प्लस एम होता है तो दूसरे का माइनस एम ध्रुव सामर्थ्य होता है, और ये जो ध्रुव सामर्थ्य होता है उस छड़ चुंबक के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के डायरेक्ट समानुपाती होता है। यानी कि हमने बात उस टाइम की भी थी, अगर छड़ चुंबक को उसकी लंबाई के समांतर दो समान भागों में काट दिया जाए तो अनुप्रस्थ काट का एरिया हाफ होने की वजह से ध्रुव सामर्थ्य का मान भी हाफ हो जाता है। अगर उसको लंबाई के लंबवत दो समान भागों में काट दिया जाए तो एरिया, अनुप्रस्थ काट का एरिया में कोई फर्क नहीं पड़ता है, ध्रुव सामर्थ्य का मान समान रहता है, बात शुरुआत में कर चुके हैं। अब यहां पर जो छड़ चुंबक होती है, एन ध्रुव एस ध्रुव की बात हम कर रहे थे, तो छड़ चुंबक का जो चुंबकीय आघूर्ण व्यक्त किया जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर, आप जानते हैं कि P इज इक्वल टू क्यू इंटू एल वेक्टर, ऐसे लिखा जाता है। तो इसी तरह से यहां पर, जैसे यहां पर P था वहां पर यहां M से लिखा जाता है, वहां इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज था उसकी जगह यहां पर तुल्य उसके ध्रुव सामर्थ्य होता है स्मॉल m, और L विस्थापन है ही, तो यहां पर ऐसे लिखा जाएगा m वेक्टर इज इक्वल टू m इंटू एल वेक्टर, ये ओनली l पर वेक्टर है, इस पे नहीं है, तो इस तरह से लिखा जाएगा m वेक्टर इक्वल टू स्मॉल m इंटू l वेक्टर, क्योंकि m तो अदिश राशि ध्रुव सामर्थ्य है, तो ये बात भी पहले कर चुके हम। अब यहां पर जो l है ना, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी सदिश राशि है, तो एक एक का मीनिंग समझ लिया जाए। सबसे पहले इस l वेक्टर के बारे में बात करें, तो l वेक्टर क्या होता है, दोनों ध्रुवों के बीच का विस्थापन सदिश, दोनों ध्रुव इसमें होंगे, चुंबक जैसा भी है, दो ध्रुव की बात हम कर रहे हैं, n और s के बीच जो विस्थापन होगा उसकी दिशा किधर है ना, माइनस से प्लस की ओर दिशा लेनी होती है। स्मॉल m के बारे में बात की जाए, ये चुंबक ध्रुव सामर्थ्य होता है, बात कर ही चुके हैं। और ये जो m है ना, ये सदिश राशि है, तो m सदिश राशि है, उसकी दिशा l की दिशा में होगी, यानी कि s से n की ओर इस m की दिशा ऐसे होगी, इस चुंबक के अक्ष के अनुदिश, इसलिए इस m को अक्षीय सदिश भी कहा जाता है इस छड़ चुंबक के लिए। तो ये सदिश है कौन सा वाला, अक्षीय सदिश।
अक्षीय सदिश। दिशा वही एस टू एन। अब ऐसा यूनिट की बात की जाए कि मात्र क्या होगा, तो मात्र तो हम कह ही सकते हैं कि यह ध्रुव सामर्थ्य का मात्र क्या था, बात कर चुके एम्पेयर इंटू मीटर, और ये मीटर में है तो एम्पेयर इंटू मीटर स्क्वायर, एम्पेयर इंटू मीटर का मात्र। तो अब ये जो लिखा ना, अच्छा इसको अगर परिमाण रूप में लिखूं तो परिमाण रूप में एम इंटू एल लिख सकता हूं मैं, तो ये एल क्या हो जाएगा, ये दोनों ध्रुवों के बीच विस्थापन का परिमाण। ये ध्रुव सामर्थ्य है ही, तो उससे हमें चुंबकीय बल का, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का परिमाण मिल जाएगा। तो अब जहां जैसे आवश्यकता है उसको काम में लेंगे, इसको या इसको, जिसको भी काम में लेना है, सामान्यतः हमें कई बार इसको काम में लेना पड़ता है। तो बस ये याद रखना कि केवल ये लंबाई नहीं है छड़ की, ये चुंबक के दोनों सिरों के बीच का विस्थापन है, दोनों ध्रुवों के बीच का विस्थापन है, और इसको ही चुंबक की प्रभावी लंबाई भी कहा जाता है। अब यहां पर वेक्टर फॉर्म पता लग गया, तो इस पर डिफरेंट वैरायटी वाले क्वेश्चन के थ्रू इसका मीनिंग और समझ पाते अच्छे से हम, क्योंकि तो जस्ट एज ए फॉर्मूला की तरह लिख दिया गया है, अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने के पर्पज से अलग अलग वैरायटी वाले, तीन चार वैरायटी वाले क्वेश्चन की बात यहां पर करने वाले, उनसे समझ बढ़ने वाली है। सबसे पहली बात में जो करने वाले, उसमें चुंबक को काटने वाली वैरायटी की बात करेंगे, दूसरी वैरायटी में हम दो तीन चार चुंबकों को एक साथ कंबाइन करके नेट चुंबक आघूर्ण की बात करेंगे, तीसरी वाली वैरायटी में चुंबक को मोड़ने की बात भी करने वाले हम। तो सबसे पहले जो बात करने वाले हम कि एक छड़ चुंबक है, उसको लंबाई के अनुदिश एवं लंबाई के लंबवत दो समान भागों में काट दिया जाए, तो प्रत्येक भाग का चुंबक आघूर्ण हमें ज्ञात करना है। दो भागों में काटने की बात हो रही है यहां पर, दो भाग में काटना हमें, तो एक बार लंबाई के समांतर काटना दो समान भागों में, और एक बार लंबाई के लंबवत काटना है दो समान भागों में। तो समान भागों में जब काटेंगे हम, तो ऐसे काटने पर एरिया हाफ हो रहा है, ये क्लियर पता लग रहा है, ऐसे काटने पर लंबाई हाफ हो रही है, ये भी पता लग रहा है, इसमें एरिया में फर्क नहीं पड़ रहा। तो इसका चुंबक क्या लिखना चाहता हूं पहले मैं, तो एम डैश को लिख सकता हूं मैं ध्रुव सामर्थ्य इंटू लंबाई, दोनों को डैश डैश लगा दिया मैंने एक बार, मतलब नया जो भी एम होगा ध्रुव सामर्थ्य, तो यहां पर एरिया हाफ हो गया ना, तो निश्चित रूप से ध्रुव सामर्थ्य भी हाफ हो गया है, तो ध्रुव सामर्थ्य का मान हाफ। अब ध्रुव सामर्थ्य जब ये हाफ हो गया है, तो हम कह सकते हैं कि लंबाई कितनी, लंबाई तो एल के बराबर ही है, तो ये आ गया है एम इंटू एल, तो टोटल एम शुरुआत में जो था ये एम बाई टू के बराबर है। इसको जरा देखा जाए, इसमें लिख सकता हूं अगेन एम डैश इक्वल टू एम डैश एल डैश, एम डैश एल डैश ध्रुव सामर्थ्य, एरिया चेंज नहीं हुआ, लंबाई के लंबत कट किया, अनुप्रस्थ काट के एरिया समान है, इसलिए एम सेम रहेगा, लंबाई आधा होने की वजह से अगेन ये भी आ गया क्या एम बाई टू के बराबर। लेकिन एक बात और कर सकते हैं, तो हमने क्या देखा कि इन चुंबकों को लंबाई के समांतर दो समान भागों में काटा जाए या लंबाई के लंबत दो समान भागों में काटा जाए, चुंबक आघूर्ण जो प्राप्त हो रहा है वो आधा ही प्राप्त हो रहा है। लेकिन अगर कोई क्वेश्चन हमें ऐसा दे दिया जाए जिसमें यूं कहा जाए कि एक छड़ चुंबक है और उसको ऐसे डायगोनली ऐसे काट दिया जाए, दो समान भागों में ऐसे काट दिया जाए, तो एक भाग का चुंबकीय आघूर्ण क्या होगा, बाय चांस ऐसा हमसे पूछ लिया जाए, तो इसका डायरेक्ट रिजल्ट याद रखना है कि इसका चुंबकीय आघूर्ण भी एम डैश अगर मैं कहूं तो वो भी एम बाई टू के बराबर ही होता है, जो कि डेरिवेशन से भी मिल जाता है, लेकिन वो लेंथ ही है, इससे गणना हमें नहीं करना है यहां पर, सीधा सीधा रिजल्ट इसका हमें याद रखना है। तो केवल रिजल्ट याद है कि बाय चांस की जरूरत पड़े तो, बाकी जो फेमस क्वेश्चन है फेमस वैरायटी में जब भी बात की जाती है वो इसी ढंग से बात की जाती है, ऐसे अड़ा टेढ़ा कट करने, कोई कहने सर आपने एक कोना काट दो उसका फिर क्या होगा, अरे नहीं काटना कुछ भी, ये सबसे जो सिलेबस के अकॉर्डिंग है जो ज्यादा यूजफुल वैरायटी उसी की बात कर रहे हैं। अच्छा एक और सिंपल सा जो बन सकता है, कोई कहे चुंबक को चार भागों में कट कर दो, ऐसे भी और ऐसे भी, मतलब लंबाई के लंबा दो भाग, लंबाई के समांतर दो भागों, तो एक हिस्सा जो बचेगा ना ये वाला, इस चुंबक के लिए हमें बताना हो चुंबक क्या हो तो बता सकते हैं, लंबाई आधी हो गई है और एरिया भी आधा हो गया, तो m बाई टू हो गया और l बाई टू हो गया, कितना हो गया m बाई फोर, एम एल बाई फोर मतलब कैपिटल m बाई फोर आ जाएगा। तो एक वैरायटी थी चुंबक को काट करके फिर जो बचा उसका चुंबक क्या गुण याद करने की वैरायटी। दूसरी वैरायटी में हमें अलग अलग जो ये दे रखे हैं कॉम्बिनेशन, इनके लिए हमें चुंबकीय आघूर्ण एम बताना है, नेट बताना है, निकाय का एक तरह निकाय बन गया, यहाँ दो चुंबक है इसमें चार इसमें दो है, तो नेट बताना हर एक का चुंबकीय आघूर्ण एम है, तो इसका ज्ञात करें, क्योंकि चुंबकीय आघूर्ण क्या वेक्टर क्वांटिटी है, तो जैसे हल करते हैं सदिशों को वैसे हल करेंगे, सदिश की तरह हल करेंगे, वेक्टर क्वांटिटी की तरह कि सदिशों का दिशा समान है तो उनके परिमाण को योग कर देते हैं।
तो इस सदिश की दिशा S2n, इसकी दिशा भी S2n, ये भी m, ये भी m, नेट कितना आ गया 2n, इसकी दिशा S2n, इसकी दिशा भी S2n, और नेट क्या आ गया m net is equal to 0, m minus m, S2n, S2n, S2n और S2n, m, 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 तो m net की अगर बात करूं मैं, तो देखिए जरा, समान दिशा में सदिश हैं, तो ये दोनों समान दिशा में हैं, ये दोनों समान दिशा में, 2m ये बन गया है, और 2m ये बन गया है, 2m, 2m, तो 2m इन दोनों को मिला, क्योंकि समान दिशा को जोड़ देंगे ना हम, तो 2m ये और 2m ये, तो बस 2m 2m के हिसाब से बात कर सकता हूं मैं कि m net मुझे मिल गया है root 2 into 2m, जैसे होता है ना f और f तो क्या होता है root 2f, m और m तो root 2m, तो ये 2m 2m तो root 2 into 2m, I think आप जानते हैं वेक्टर वगैरह में आपने पढ़ रखा है, एंगल 90 डिग्री होने की वजह से ऐसा किया गया। अब इस पे थोड़ा केयरफुली होकर करना होता है काम, हमें ध्यान से करना है इसको। जैसे इसमें अगर बात करें हम, तो यहां पर जो बात की जा रही है कि ये S से N इसकी दिशा तो ये आएगी, और ये S से N इसकी दिशा ये जाएगी, इसका मान भी है, इसका मान, अब ये कोण कितना हुआ इनके बीच, दोनों के बीच, हम जानते हैं कोण कैसे ज्ञात करते हैं, दोनों सदिशों क्या तो हेड मिले हुए हों या टेल मिले हुए हों, तो यहां तो ना तो हेड मिल रहे टेल मिल रहे, तो इसलिए ये कोण के बीच का नहीं है, दो एम के बीच, इसको इस तीर को मैं यहां शिफ्ट कर दूं ऐसे, तो ये कोण कितना हो जाएगा जरा सोच के बता सकते हैं आप, ये कोण होगा 120 डिग्री का, या इस तीर को नीचे शिफ्ट करके देख लो तब भी जैसे भी समझ में आए, 100, तो दोनों सदिशों के बीच कोण 120 डिग्री है, दोनों के चुंबकीय आघूर्ण का मान एम है, तो हम कह सकते हैं कि नेट जो चुंबकीय आघूर्ण मिलेगा वो यहां पर एम के बराबर ही आएगा इसकी वजह से। तो कुल मिला के सदिश योग वाला कंसेप्ट लगाना था और कुछ नहीं करना इसमें। एक लचीले स्टील के तार का चुंबकीय आघूर्ण एम है, इसे विभिन्न आकृतियों में मोड़ने पर चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात कीजिए। अब अगर ये चुंबक शब्द ना दिया होता तो कुछ लोग तो कंफ्यूज होते रहते, सर स्टील का तार कौन है ये, क्या करना है इसका। तो वास्तव में स्टील का तार बोला जाए, ओनली चुंबक भी ना बोले, तब भी चुंबक ही इसका मीनिंग निकलता है। क्यों? क्योंकि वास्तव में जो चुंबक बनाया जाता है ना, बार मैग्नेट बनाते हैं, छड़ चुंबक बनाते हैं, वो स्टील का बनाते हैं। स्टील एक कठोर लोह चुंबकीय पदार्थ होता है, कठोर लोह चुंबकीय पदार्थ का चुंबक बनाते हैं, वो स्टील होता है। अब यहां पर चुंबक जो लेना है, एक तार के रूप में लेना, पत्ता चुंबक लेने की बात करें तो तार की तरह होगा। तो क्वेश्चन ने बोला कि एक स्टील का तार है और उसका चुंबकीय आघूर्ण है, चुंबकीय आघूर्ण चुंबक का, मतलब स्टील का चुंबक बना हुआ, इसका मीनिंग ये कहना चाहता है क्वेश्चन। तो एक चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण एम है, मतलब पत्ता चुंबक का तार बोला, मतलब उसको विभिन्न आकृतियों मोड़ने पर चुंबकीय आघूर्ण बताना है। तो सबसे पहली बात तो कर सकते हैं कि ये जो चुंबक है ना, इस तरह से कोई एक एल लंबाई का चुंबक है, ये इसका प्लस एम, ये इसका माइनस एम ध्रुव सामर्थ्य है, तो कैपिटल एम इसका हो जाएगा एम इंटू एल। अब इस चुंबक को अलग अलग आकृतियों मोड़ना है, तो अलग अलग आकृतियों मोड़ने के बाद नया चुंबकीय आघूर्ण जानना चाहते हैं, तो नया चुंबकीय आघूर्ण जब हम ज्ञात करना चाहते हैं यहां पर, तो ये हो जाएगा एम इक्वल टू एम इंटू एल। अब नया चुंबकीय आघूर्ण जब ज्ञात करना है, तो ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, जैसे क्वेश्चन के हिसाब से बात करें, ये क्वेश्चन दिया हुआ हमें, तो ये इसको ऐसे मोड़ दिया गया, यहां कोई होल वगैरह नहीं है, भाई चुंबक के दोनों एंड ही हैं। अब इसके लिए जब ज्ञात करना, तो क्या करना पड़ेगा कि मोड़ने पर इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये तो सेम ही रहेगा, समान रहेगा, नो चेंज। ध्रुव सामर्थ्य चेंज क्या होगा, एल चेंज, क्यों मोड़ेंगे ना इसको, तो एल बदलेगा, दोनों के ध्रुवों के बीच का विस्थापन का परिमाण बदलेगा, तो उसके अनुसार नया एम मिलेगा। तो जब मोड़ दिया हमने, तो एल डैश कितना आया जरा सोचा जाए, तो इसका एल डैश बन जाएगा एल डैश इक्वल टू रूट टू इंटू एल बाई टू, यानी कि यह आ गया एल बाई रूट टू के इक्वल, बस एल बाई टू इक्वल आ गया ना ये, तो मैं कह सकता हूं यहां पर एम डैश इज इक्वल टू ध्रुव सामर्थ्य इंटू लंबाई क्या, एल बाई रूट टू, तो यह आ गया एम बाई रूट टू, एल बाई रूट टू, एम बाई रूट टू आ गया। इसी तरह से और भी क्वेश्चन की बात कर सकते हैं कि अलग अलग मोड़ना है, तो अलग अलग ढंग से मोड़ेगा जैसे क्वेश्चन, उसके अनुसार क्वेश्चन सॉल्व कर लिया जाएगा। एक और क्वेश्चन आ गया है, इस क्वेश्चन में एल बाई थ्री एल बाई थ्री एल बाई थ्री करके उस चुंबक को मोड़ दिया है, चुंबक के दोनों ध्रुव है, उनके बीच का विस्थापन चाहिए, तो यहां पर विस्थापन की अगर बात करूं मैं, एल डैश हो गया एल बाई थ्री,
तो m डैश क्या मिल जाएगा मुझे, m डैश इक्वल टू m इंटू एल डैश, यानी कि m इंटू एल बाई थ्री, ये आ गया m बाई थ्री। अरे समझ पा रहे हैं बात, चुंबक को मोड़ने पर कुछ नहीं करना, हमें चुंबक के दोनों ध्रुवों के बीच का विस्थापन को l की उसकी लंबाई के पदों में लिखना, क्योंकि लंबाई मुझे दे रखी थी, इसलिए m बाई थ्री इसका चुंबक का गुण आ गया, एम एल होता है तो एल की जगह एल बाई थ्री हो गया, एम डैश एम बाई थ्री आ गया। ये है, इसमें क्या करना, इसमें भी चुंबक का गुण ज्ञात करना मुझे। तो यहां पर अगर इसको मैं आर आर से व्यक्त करता हूं मैं, तो एल डैश बराबर टू आर, पहला काम तो ये कर दिया गया, ठीक है। लेकिन ऐसे काम नहीं चलेगा, एल के पदों में लाना है, तो जरा सोचते हैं, पाई आर इक्वल टू एल कह दूं क्या, पाई आर इक्वल टू एल, आर इक्वल टू क्या, एल अपॉन पाई, लो हो गया काम, कैसे इतना कर दिया ना, फिर तो एम डैश इक्वल टू क्या है, एम एल डैश, एम एल डैश कितना था, टू आर के बराबर, तो टू इंटू आर, यानी कि एम इंटू टू आर की जगह क्या था, एल अपॉन पाई, तो टू एम एल अपॉन पाई मतलब टू एम बाई पाई, देखिए जरा, एम डैश टू एम आर, एम इंटू टू आर, ये लिखा था यहां पर, पाई आर इक्वल टू एल, आर इक्वल टू एल अपॉन पाई, टू एम बाई पाई। नेक्स्ट, मोड़ दिया चुंबक को, दोनों ध्रुव के बीच का विस्थापन चाहिए, कह दो या तो आर के बराबर है, हमने डिसाइड किया एम ज्ञात करना था ना, मैं चुंबक आ गुण, या फिर इस आर का मान ज्ञात करना, तो पहले कह दिया मैंने एम डैश इक्वल टू, सीधा सीधा कह दो आर के पदों में कह दो आप, तो एल डैश ना आर हो गया, तो आर कहां से लाओगे, आर क्या हो गया, ये आर हो गया टू पाई आर बाई सिक्स, मतलब पूरा वृत्त की परिधि का एक बटा छह हिस्सा है ये, क्योंकि 60 डिग्री कोण बन रहा है तो वृत्त का ही एक पार्ट ना, तो 60 डिग्री कोण क्या होगा, मतलब एक बटा छह, क्योंकि 6 इंटू 6 पर 360 डिग्री बनता है, 60 इंटू 6 करें तो 360 आता है, तो उसका एक बटा छह हिस्सा है, तो 2 पाई आर बाई सिक्स क्या होगा, इसकी लंबाई, क्योंकि ये लंबाई एल हमें दिया होगा क्वेश्चन के अनुसार, तो बस इससे तीन बार कैंसिल हो गया ये, तो आर इक्वल टू थ्री एल अपॉन पाई, ये आ गया ना, यहां रख दो जैसे यहां कर रखा है, एम आर लिखा पहले, तो एल डैश ज्ञात किया इसी तरह से, थ्री एल अपॉन पाई, फिर इसको थ्री एल अपॉन पाई रखा, थ्री एम बाई पाई आंसर आ गया, नीट में आया हुआ क्वेश्चन ऐसा। एक और की बात करते, दोनों को मिला दिया गया, चुंबक को इस तरह से मोड़ दिया कि दोनों सिरे मिला दिए, दोनों सिरे मिला दिए, टोराइड में ये तो होता था, जैसे एक छड़ चुंबक है उसको मोड़ के दोनों सिरे मिला दिए, जैसे एक सोलेनोइड था उसको दोनों सिरे मिला दिए, तो कोई ध्रुव बचा ही नहीं, जब ध्रुव को नहीं बचा ध्रुव भी नहीं रहेगा, ध्रुव रहेगा ध्रुव आगुण भी नहीं होगा, एक तो ऐसा, दूसरी बात कि दोनों सिरे मिला दिए तो इनिशियल पॉइंट इक्वल टू फाइनल पॉइंट, और ऐसा हो गया तो एल डैश क्या होगा, जीरो हो गया, तो एम डैश भी जीरो हो जाएगा, कह सकते हैं ऐसा। तो इस तरह से चुंबकीय आगुण की बात हम कर सकते हैं तारों को अलग अलग ढंग से मोड़ने के बाद। तो हमने तीन वैरायटी समझी छड़ चुंबक के लिए, काटने वाली वैरायटी, तीन चार चुंबकों के आधार पर, सदिशों के आधार पर नेट चुंबक का गुण ज्ञात करना, और चुंबक को मोड़ने वाली वैरायटी की बात यहां पर हमने की है।